नेहरू सहायक भूमिकाओं में संगीत विष्णु श्याम द्वारा रचित था जगदीश शंकर इंदु चूड़न शांति और सिद्दिकी की प्रिया मणि के साथ मोहनलाल द्वारा किया गया था फिल्म आशीर्वाद सिनेमा एंटनी पैरम्बू द्वारा निर्देशित जो भी है शांति माया देवी के साथ पटकथा लिखी इसका निर्माण और वितरण जीतू जोसेफ फिल्म कोर्ट रोम ड्रामा भाषा मलयालम एक दो हज़ार तेईस भारतीय है सत्य अनुवाद मुख्य फोटोग्राफी अगस्त और अक्टूबर दो हज़ार तेईस के बीच तिरुवनंतपुरम के आसपास हुई इक्कीस दिसंबर दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी नेहरू को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म बुक बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दुनिया भर में पचास करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर रही है प्लॉट एक अंधी लड़की सारा के साथ बलात्कार होता है पुलिस उम्मीद खो देती है क्योंकि अपराधी की पहचान करने की कोई गुंजाइश नहीं होती सारा अपने मूर्तिकार कौशल से अपने बलात्कारी की एक मूर्ति बनाती है और समानता के आधार पर वे मुंबई स्थित एक व्यवसायी के बेटे माइकल जोसेफ को गिरफ्तार करते हैं माइकल के माता पिता वकील राजशेखर को नियुक्त करते हैं और माइकल को जमानत मिल जाती है लेकिन सारा का परिवार लड़ने का फैसला करता है जांच अधिकारी सी आई पॉल वर्गी से एक शानदार वकील विजय मोहन को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने का सुझाव देते हैं जो एक पिछली घटना के कारण कई वर्षों से मुकदमे में शामिल नहीं हुए हैं उत्पादन विकास मैंने शांति से यह लिखने के लिए कहा कि ऐसे मामले में कानूनी प्रक्रियाएं कैसे सामने आएंगी लेकिन एक बार जब उन्होंने इसे लिखा तो मुझे एहसास हुआ कि यह एक श्रृंखला के लिए आदर्श होगा लेकिन जब आप इसे एक फिल्म के लिए पैकेज करते हैं तो चुनौतियाँ है अलग अलग होती हैं साथ ही कहानी में एक रास्ता आने का भी खतरा है इसलिए चुनौती इसे आकर्षक बनाए रखने और प्रमाणिकता को ख़त्म किए बिना गैलरी में चलाने की थी जीतू जोसेफ़ लेखन में चुनौतियों के बारे में तेरह जुलाई दो हज़ार तेईस को निर्माता एंटनी पैरम्बोर ने आधिकारिक तौर पर जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित एक अनाम फिल्म की घोषणा की शामिल होने की अनुमति मिल गई नेहरू जिसे पृथ्वीराज के पैर की चोट के कारण स्थगित कर दिया गया था जिससे मोहनलाल को एल्टू का फिल्मांकन शुरू होने से पहले एक ही छोटे शेड्यूल में अपना काम पूरा कर लेंगे एम पुरान निर्देशित पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया गया कि मोहनलाल उस वर्ष अगस्त में शुरू होने वाला फिल्मांकन के साथ प्रोडक्शन नंबर तैतीस वर्किंग टाइटल यह प्रोजेक्ट मोहनलाल और अभिनित शीर्षक की आधिकारिक घोषणा बारह अगस्त को मोस्टर के साथ की गई थी जिसमें टैगलाइन भी न्याय की मांग ब्रेल शिला लेख में प्रस्तुत शीर्षक के साथ नेहरू मोहनलाल और जीतू के बीच पांचवा सहयोग है फिल्म शांति माया देवी और जीतू द्वारा लिखी गई थी पूर्व ने पहले जीतू के साथ दृश्यम दो में एक अभिनेत्री के रूप में काम किया था जीतू ने कई साल पहले कहानी की कल्पना की थी शांति एक पेशेवर वकील को शुरू में जीतू ने दृश्यम दो में अदालत के दृश्य लिखने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया था उनके योगदान से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें सहलेखन के लिए आमंत्रित किया नेहरू ने दृश्यम दो के सेट पर उनके साथ कहानी साझा की उन्होंने फिल्म की शैली को कोर्ट रूम ड्रामा बताया शांति ने बताया कि उन्होंने आम तौर पर फिल्मों में दिखाए जाने वाले नाटकीय कोर्टरूम से हटकर कोर्ट रूम के दृश्यों को अधिक यदार्थवादी तरीके से पेश किया जीतू के अनुसार उनका इरादा एक प्रमाणिक कोर्टरूम ड्रामा बनाने का था जिसमें नाटकीय तत्वों और प्रक्रियात्मक लहजे के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सभी तकनीकी प्रक्रियाएं शामिल हो उन्होंने कहा कि वह सावधान थे कि खिंचाव ना हो अत्यधिक यथार्थवाद वाली फिल्म उनका उद्देश्य अधिकांश दर्शकों को वास्तविक अदालती अनुभव प्रदान करना था जिन्होंने वास्तविक जीवन में ऐसी सेटिंग का सामना नहीं किया होगा कास्टिंग मोहनलाल ने फिल्म में एक वकील की भूमिका निभाई है प्रिया मणि को एक महत्वपूर्ण महिला की भूमिका में लिया गया था भूमिका वह सितंबर 2023 में सेट में शामिल हुई अनस्वरा राजन को सारा एक अंधमूर्तिकार के रूप में लिया गया जिसके चारों ओर कहानी सामने आती है शांति माया देवी जिनकी शुरुआत में अपनी पटकथा में अभिनय करने की कोई योजना नहीं थी अंततः जीतू के निमंत्रण पर फिल्म में भूमिका निभाई कलाकारों में जगदीश भी शामिल हैं बी गणेश कुमार सिद्दीकी अदिति रवि नंदो दिनेश प्रभाकर शंकर इंदु चूड़न मैथ्यू वर्गिश कलेश रामानंद रमा देवी श्री धन्या कलाभवन जिंटो रेशमी अनिल और प्रशांत नायक फिल्मांकन प्रधान फोटोग्राफी 17 अगस्त 2023 को शुरू हुई और मलयालम महीने चिंगम की शुरुआत के साथ मेल खाती है एक शुभ दिन माना जाता है इसकी शुरुआत वजूथा कॉर्ड में फ्रीम सेन क्लब में आयोजित एक पारंपरिक पूजा समारोह में हुई इसके बाद फिल्मांकन तिरुवनंतपुरम और उसके आसपास हुआ मोहनलाल सितंबर की शुरुआत में चित्रांजलि स्टूडियो के सेट पर शामिल हुए फिल्मांकन चार अक्टूबर दो को पूरा हुआ सतीश कुरूप छायाकार थे कला निर्देशक बोबन थे जबकि वेशभूषा जीतू की पत्नी लिंटा जीतू द्वारा डिजाइन की गई थी संगीत फिल्म का संगीत विष्णु श्याम द्वारा तैयार किया गया था और गीतों के बोल विनायक शशि कुमार ने लिखे थे एक पूर्व रिलीज सिंगल रूहे उन्नीस दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था जिसे कार्तिक ने गाया था और साथ में श्याम और कैथी जीतू का कोरस भी था टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे विचार उत्तेजक रचना कहा जो कथा के भावनात्मक माहौल को प्रदर्शित करता है जिसने फिल्म की शैली को एक भावनात्मक नाटक के रूप में और मजबूत किया रिलीज नाटकीय नेहरू इक्कीस दिसंबर दो को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी मीडिया के अनुसार वैस स्लॉट जो शुरू में मोहनलाल के निर्देशन में बनी पहली फिल्म बेरोज के लिए आरक्षित था को नेहरू डन की सालार भाग एक युद्ध विराम और एक्वा मैन एंड एंड द लास्ट किंगडम रिलीज जैसे क्रिसमस फिल्म ने अन्य प्रमुख फिल्मों के साथ प्रतिस्पर्धा की पोस्ट प्रोडक्शन में देरी के कारण रिसेप्शन महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया नेहरू को कलाकारों के प्रदर्शन विशेषकर मोहनलाल सिद्ध की और राजन निर्देशन पटकथा और संपादन की प्रशंसा करते हुए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली द टाइम्स ऑफ इंडिया के अन्ना मैथ्यूज़ ने पाँच में से साढ़े चार स्टार दिए और लिखा कि मोहनलाल और सिद्दकी की डेविड गोलियत की लड़ाई फिल्म की पूरी एक सौ बावन मिनट की अवधि के दौरान दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखती है और भावुक करती है आप मुश्किल अपनी नज़रें स्क्रीन से हटा पाएंगे और नोट किया कि फिल्म अपनी यथार्थवादी कहानी के कारण है फिर भी यह कम व्यापक नहीं है और सभी दर्शकों को पसंद आएंगी उन्होंने कलाकारों की भी प्रशंसा की विशेष रूप से मोहन लाल के शानदार विनम्र प्रदर्शन की इसे साढ़े तीन स्टार दिए गए पाँच में से इसे अटूट फोकस के साथ एक संवेदनशील व्यवहारिक कानूनी नाटक बताया है और मोहन लाल को सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं को स्वीकार किया है उपस्थिति अनुश्वरा और संबोधित मुद्दों से सुर्खियों को दूर नहीं ले जाती उन्होंने मोहन लाल और सिद्दिकी के प्रदर्शन की सराहना की और कानूनी प्रणाली के विभिन्न जटिलताओं की खोज के लिए निर्माताओं की प्रशंसा की और यह जनता से संवेदनशीलता बढ़ाने का आह्वान है मनी कंट्रोल की सौम्या राजेंद्रन ने कहा कि पटकथा इतनी तेज गति वाली है और प्रदर्शन इतना शानदार है कि नेहरू सिनेमाई स्वतंत्रता लेने पर भी लगभग हमेशा दिलचस्प रहता है के जन्नी इंडिया टुडे ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा नेहरू एक दिलचस्प कोर्टरूम ड्रामा है जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है और, और मोहनलाल द्वारा सहमति महिलाओं के अधिकारों और पीड़िता को शर्मशार करने पर संवाद करना इस फिल्म को महिला सशक्तिकरण फिल्मों की लंबी सूची में एक योग्य जोड़ बनाता है के एस प्रवीण ने कहा कि फिल्म लगभग एक रोचक उच्चता प्रदान करती है और यह कि मोहनलाल एक साधारण प्रदर्शन के साथ फॉर्म में वापस आ गए हैं जबकि जीतू जोसफ ने इस दिलचस्प कानूनी नाटक में अपना जादू ढूंढ लिया है इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स इंडिया के निर्मल नारायणन ने टिप्पणी की कि नेहरू पूर्णतः व्यावसायिक मनोरंजन करता नहीं है लेकिन यह एक इमोशनल कोर्ट रूम ड्रामा है जो आपको तब तक रोमांचित करेगा जब तक कि क्रेडिट मिलना शुरू ना हो जाए उन्होंने विशेष रूप से मोहनलाल और अणस्वरा के अभिनय और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की द की पवित्रा एवीक ने से आकर्षक कोर्ट रूम ड्रामा का निष्कर्ष निकाला कि जीतू जोसेफ का स्पर्श पूरी फिल्म में स्पष्ट है जो मुझे दृश्यम और इसके सिक्वल की याद दिलाता है उन्होंने मोहनलाल अनुस्वरा और सिद्दकी की प्रशंसा की और पाँच में से तीन स्टार रेटिंग दी क्रिस द न्यूज़ मिंट ने इसे एक मार्मिक अदालती नाटक बताया और आगे कहा कि अपनी शौकिया सेटिंग के बावजूद नेहरू कुछ सावधानीपूर्वक तर्कों के साथ एक महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है जो मोहनलाल के प्रमुख अभिनेताओं द्वारा दृढ़ता से कहीं और प्रस्तुत की जाती है अनुस्वरा राजन रॉ ओन मनोरमा की स्वाति पी अजीत ने लिखा नेहरू निसंद एक संतोषजनक और आनंददायक घड़ी है जो अधिक गंभीर भूमिकाओं में मोहनलाल की सफल वापसी का प्रतीक है मोहनलाल को एक वकील की भूमिका निभाते हुए मामले की रोमांचक अदालती बहस में भाग लेते हुए देखना वास्तव में ताज़ा है आनंदू सुरेश द इंडियन एक्सप्रेस ने पाँच में से ढाई स्टार दिए और लिखा कि मोहन का प्रदर्शन एक मिनट के रन टाइम को कम लंबा महसूस कराता है कहानी और फिल्म निर्माता की दृष्टि में खुद को पूरी तरह से डुबोकर मोहनलाल अपने स्टार व्यक्तित्व को कहानी पर बोझ बनने से बचाते हैं यह विजय मोहन की भूमिका को सटीकता के साथ चित्रित करते हैं बॉक्स ऑफिस नेहरू ने रिलीज के आठ दिनों में दुनिया भर में पचास करोड़ से अधिक की कमाई की सिक्वल और ऑफ दिसंबर 2023 में प्री रिलीज प्रमोशन चर्चा में मोहन लाल जीतू शांति और एंटनी ने खुलासा किया कि नेहरू के संभावित सिक्वल बन सकते हैं अगर पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित होती है ये सिक्वल वकील विजय मोहन द्वारा संभाले गए अतिरिक्त मामलों का पता लगाएंगे मोहनलाल ने अन्य पात्रों पर केंद्रित स्पिन ऑफ की संभावना का भी उल्लेख किया मोहनलाल विश्वनाथन जन्म इक्कीस मई 1960 एक है भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता पार्श्व गायक फिल्म वितरक और निर्देशक जो मुख्य रूप से मलयालम में काम करते हैं फिल्म उद्योग इसके अलावा छिटपुट रूप से तमिल हिंदू तेलुगू और कन्नड़ फिल्में मोहनलाल का चार दशकों से अधिक का शानदार करियर रहा है उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है मलयालम सिनेमा में मोहनलाल के योगदान की उनके समकालीनों ने प्रशंसा की पद्म भूषण और दो में पद्मश्री से सम्मानित किया उन्हें भारत सरकार भारतीय फिल्म उद्योग नागरिक सम्मान द्वारा सी एन एन न्यूज़ एटीन मोहन लाल को निरूप में शामिल नामित किया गया था वे पुरुष जिन्होंने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया कि मानद रैंक से सम्मानित होने वाले भारत के पहले अभिनेता बने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रादेशिक सेना में उनके योगदान के लिए 2009 में भारतीय सिनेमा मोहनलाल ने अपने भिन्न करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में उन्नीस में मलयालम फिल्म नोत्तम से की लेकिन फिल्म की रिलीज में 25 साल की देरी हुई सेंसरशिप मुद्दों के कारण उनका स्क्रीन डेब्यू उन्नीस सौ की रोमांस फिल्म मंजिल वेरिजा पुक्कल से हुआ था जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी उन्होंने खलनायक भूमिकाएं करना जारी रखा और बाद के वर्षों में माध्यमिक मुख्य भूमिकाओं तक पहुंच गए 1980 के दशक के मध्य तक उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद अग्रणी अभिनेता के रूप में स्थापित कर लिया और 1986 में कई सफल फिल्मों में अभिनय करने के बाद स्टारडम हासिल किया उस वर्ष रिलीज़ हुई क्राइम ड्रामा राजविंते माकन ने उनके स्टारडम को बढ़ाया मोहनलाल ने पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष जूरी उल्लेख और एक विशेष जूरी पुरस्कार अभिनय के लिए और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म निर्माता के रूप में के लिए एक पुरस्कार साथ ही नौ केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और फ़िल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण और अनेक अन्य पुरस्कार उन्होंने 2010 में भी श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट प्राप्त की 2018 में कालीकट विश्वविद्यालय मोहनलाल में परोपकारी प्रयासों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने विश्व शांति फाउंडेशन की स्थापना की जो एक गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन है जिसे समाज के वंचित वर्गों के लिए उच्च प्रभाव और केंद्रित कार्यक्रम बनाने और वितरित करने के लिए शुरू किया था स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र प्रारंभिक जीवन मोहनलाल विश्वनाथन का जन्म एलान्थुर पठान मिठा जिले केरल इक्कीस मई 1960 को हुआ वह पूर्व नौकरशाह और कानून सचिव विश्वनाथन नायर की सबसे छोटी संतान है केरल सरकार और संथा कुमारी प्रारंभिक जीवन मोहनलाल विश्वनाथन का जन्म एलान्थुर पठान मिट्टा जिले में केरल में इक्कीस मई 1960 को हुआ उनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम प्यारे लाल था 2000 में एक सैन्य अभ्यास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई मोहनलाल का नाम उनके मामा गोपीनाथन ने रखा था नायर जिन्होंने शुरुआत में मोहनलाल चुनने से पहले अपना नाम रोशनलाल रखने का फैसला किया था हालांकि उनके पिता उन्हें नाम देने से बचते थे उनके पिता इस बात पर अड़े थे कि उन्होंने अपना जाति नाम नायर उपनाम के रूप में नहीं रखना चाहिए जैसा कि उन सभी के पास था मोहनलाल अपने पैतृक घर तिरुवनंतपुरम में मुदावन मुगल में पले बढ़े उन्होंने गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम से पढ़ाई की और स्नातक की उपाधि प्राप्त की बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री महात्मा गांधी कॉलेज तिरुवनंतपुरम मोहन एंड हैश उनचालीस की पहली भूमिका कंप्यूटर बॉय नामक एक स्टेज प्ले के लिए छठी कक्षा के छात्र के रूप में थी जिसमें उन्होंने एक नब्बे वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाई थी 1977 और 1978 के दौरान यह केरल राज्य कुश्ती चैंपियन थे फिल्मी करियर प्रारंभिक वर्ष 1978 से उन्नीस मोहनलाल ने अपने अभिनय की शुरुआत 1978 में फिल्म थिरानोट्टम से की जिसका निर्माण और निर्माण मोहनलाल और उनके दोस्तों द्वारा किया गया था मनियान पिल्ला राजू सुरेश कुमार उन्नी प्रियादर्शन रवि कुमार और कुछ अन्य मोहनलाल ने मानसिक रूप से अक्षम नौकर कुटप्पन की भूमिका निभाई सेंसरशिप से जुड़ी कुछ दिक्कतों के कारण फिल्म तय समय पर रिलीज़ नहीं हो पाई इस फिल्म को रिलीज़ होने में पच्चीस साल लग गए उन्नीस सौ अस्सी में मोहनलाल को मंजिल विरिजा पुक्कल में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका में लिया गया था जो फिल्म को बड़ी सफलता मिली मोहनलाल के दोस्तों ने जारी एक विज्ञापन में जवाब दिया उनका आवेदन भेजा था गुद्दे स्टूडियो उन्होंने एक पैनल के सामने भूमिका के लिए ऑडिशन दिया जिसमें पेशेवर भी शामिल थे निर्देशक उनकी शक्ल से नाखुश होकर उनमें से दो ने उन्हें खराब अंक दिए लेकिन फाजिल और जीजू अप्पा ने उन्हें सौ में से नब्बे और पचानवे अंक दिए 2004 में रीडर्स डाइजेस्ट के साथ एक साक्षात्कार में मोहनलाल ने कहा कि एक युवा व्यक्ति के रूप में उनकी शक्ल शायद की छवि उनकी प्रशंसित नकारात्मक भूमिकाएं शामिल हैं संध्या कुविरिजा पुबू और कोइलियन थेडी उन्नीस तक मोहनलाल को 25 से अधिक फीचर फिल्मों में श्रेय दिया गया उनमें से अधिकांश में उन्होंने नकारात्मक भूमिकाएँ निभाई ऐसी फिल्में जैसे कि एंटे मोहंगल पूव निंजु इनी ये गिलम विजा अट्टकल शम कोल अल्पम कार्यम उन्नीस सौ पचासी में उन्होंने फिल्म ओन्नम कुन्निल और आड़ी कुन्निल के लिए गाना रिकॉर्ड किया उ रंगा लिल नोकेथा था दुराथु कन्नु नट्टू बोइंग बोइंग और आराम आराम। किन्नरम इस अवधि में उनकी कुछ फिल्में थीं 1986 से 2000 इस अवधि के दौरान मोहनलाल ने महान उस्तादों द्वारा बनाई गई फिल्मों में बहुत अलग भूमिकाएं निभाई, जैसे कि जी अरविंदन हरिहरन एम टी वासुदेवन नायर पद्मराजन भारतन और लोहिता दास मोहन लाल अभिनेता के साथ और पटकथा लेखक श्रीनिवासन जिन्होंने कई फिल्मों में उनके सहायक की भूमिका निभाई उन्नीस में उन्होंने टीम में अभिनय किया पी बाल गोपालन एम ए निर्देशक सत्यनयन तिकार्ड जिसके लिए उन्होंने अपना पहला उन्होंने एक बेरोजगार युवक का किरदार निभाया जो जिम्मेदारी निभाता है उसके परिवार की समाधानम में एक उत्पीड़ित गृहस्वामी की भूमिका में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया राजविंत माकन का दर्जा किया को तोड़ती है इस दौरान मलयालम फिल्म उद्योग में अकेले उन्नीस में मोहनलाल 36 छत्तीस मलयालम फिल्मों में दिखाई दिए रूढ़ीवादिता में सोलमन की भूमिका निभाई पद्मराजन के साथ मोहनलाल का जुड़ाव बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि उनकी फिल्में ऐसी कहानियां बताती थी जो अपने समय से बहुत आगे थी और प्रचलित कई पारंपरिक नामक कुपारक खन मुंथी रितोपक्कुल में अभिनय किया जिसमें उन्होंने विनोद कुमार नामक एक युवक की भूमिका निभाई जो अपने प्रेमिका को देखकर मानसिक रूप से बीमार हो जाता है उनचालीस की मृत्यु उन्होंने पद्मराजन की थलवट मत्रासदी विंसेट गोमेज की भूमिका निभाई उन्होंने अंडरवर्ल्ड ऑन उन्नीस जिसमें उन्होंने सुपरस्टार उसी वर्ष अगले वर्ष मोहनलाल ने श्रीनिवासन और शोभना सत्यन एंथी कॉड फिल्म कॉमेडी नाडो डिकाटू में जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही मोहनलाल और श्रीनिवासन ने इसके सिक्वल में क्रमशः जासूस दासन और विजयन के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई पट्टन प्रवेशम 1988 और अक्करे 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 1990 सौ नब्बे थुवन थुम्बिकल पद्मराजन द्वारा निर्देशित जिसमें उन्होंने अपने जुड़वा प्रेम संबंधों के बीच फंसे हुए एक व्यक्ति को चित्रित किया जिसने भारतीय फिल्मों में कई रूढ़ीवादिता को तोड़ दिया जैसे मुख्य पुरुष को पहली महिला द्वारा अस्वीकार किए जाने के तुरंत बाद दूसरी महिला से प्यार हो जाता है और एक आदमी को एक सेक्स वर्कर से प्यार उन्नीस सौ उनासी में लेखिका लोहिता दास और निर्देशक सिबी मल्यल का संयोजन ने सेतु माधवन नामक व्यक्ति का किरदार बनाया जो एक पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखता है लेकिन त्रासदी के रिदम में एक अपराधी बन जाता है इस भूमिका ने मोहनलाल को राष्ट्रीय फिल्म विशेष जूरी उल्लेख दिया मोहनलाल ने बाद में याद किया कि सेतु माधवन की मानसिक पीड़ा का उनका चित्रण जिसे एक स्वाभाविक प्रदर्शन के रूप में सराहा गया सहस था और उन्होंने वही किया जो मेरा किरदार सेतु माधवन ऐसी स्थिति में करता उन्होंने आगे कहा कि अभिनय था किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के समान उसी वर्ष उन्होंने एक फिल्म में अभिनय किया जो व्यावसायिक रूप से सफल रही वारा वेलपू जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जिसने खाड़ी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया फिल्म का जिक्र 18 जनवरी 2003 को कोची में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के उद्घाटन के दौरान वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के प्रति मलयाली द्वारा ज्ञानता के उदाहरण के रूप में उन्होंने पद्म राजन की एक और फिल्म में अभिनय किया 1990 के दशक की शुरुआत में मोहनलाल ने कई व्यावसायिक फिल्मों में अभिनय किया जैसे हेज हाइनस अब्दुल्ला मिथुनम और नंबर बीस मद्रास मेल महामहिम अब्दुल्ला मोहनलाल का उनकी कंपनी प्रणवम आर्ट्स इंटरनेशनल थजवारम में एक विदुल के रूप में दिखाई दिए जो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त द्वारा अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेना चाहता है उन्नीस सौ इक्यानवे में उनकी रोमांटिक कॉमेडी के लुक्कम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य फिल्म पुरस्कार मिला यह फिल्म मलयालम में अब तक की सबसे महान कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाती है यह उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म भी बन गई जिस पर एक ईर्ष्यालू भाई का बोझ है जिससे उसे कर्नाटक गायक के नज़रिए से यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसमें उनकी भूमिका एक भारत भारतम में उनकी भूमिका को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम विधि प्रदर्शनों में सूचीबद्ध किया गया था फोबर्स इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के अवसर पर उन्होंने कमला दालम उन्नीस में भरतनाट्यम नर्तक की भूमिका निभाई उन्होंने अपने कोरियोग्राफर और अपने सह अभिनेताओं और पेशेवर नर्तकों विनीत और मोनिशा राजशिल्पी सद्यम योद्धा और वियतनाम कॉलोनी उन्नीस में रिलीज हुई उनकी अन्य फिल्में थीं नाटक देवासुरम उन्नीस सौ तिरानवे सुरंजीत माना जाता है पंथ क्लासिक मोहनलाल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी और इसे एक द्वारा निर्देशित भी ससी और उन्नीस सौ चौरानवे में मोहनलाल ने फाजिल निर्देशित क्लासिक क्लासिक एक मनोचिकित्सक के रूप में स्पाडिकम उन्नीस का एक काम था जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना तीसरा केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और अपने चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मलयालम के लिए पांचवा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता थॉमस आदू थोमा चाकू एक युवा व्यक्ति को ठग बन जाता है जो अपने पिता की उच्च उम्मीदों को पूरा करने में असफल होने पर अपने पिता से अलग हो जाता है उन्नीस सौ छियानवे में मोहनलाल ने प्रिय दर्शन की काला पानी में अभिनय किया जो सेलुलर जेल के कैदियों के बारे में एक महाकाव्य फिल्म थी पोर्ट ब्लेयर और अलोहिता दास का कनमादम उन्नीस सौ अट्ठानवे उन्होंने उन्नीस में राजीव आंचल द्वारा निर्देशित गुरु में मुख्य भूमिका निभाई इस फिल्म को आस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामांकन के लिए चुना गया था उन्नीस के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी मोहनलाल ने उन्नीस में तमिल जीवनी पर आधारित फिल्म इरुवर में अपनी पहली मलयालम फिल्म में अभिनय किया मणिर रत्नम द्वारा निर्देशित फिल्म जिसमें मोहनलाल ने कैसे अभिनेता को दर्शाया था जो राजनीति में चला जाता है एम जी श्री रामचंद्रन के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण सफलता थी और बेलग्रेड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते उन्नीस सौ अट्ठानवे में उन्होंने हरी कृष्णंस का निर्माण और अभिनय किया सह अभिनीत ममूठी और जूही चावला फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही लेकिन समीक्षकों द्वारा इसे अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली फिल्म में दोहरे क्लाइमैक्स थे जिसे प्रत्येक विशेष क्षेत्र में दो प्रमुख अभिनेताओं की लोकप्रियता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया हालांकि यह विवादास्पद हो गया और सांप्रदायिक मोड़ तब ले लिया जब यह दावा करते हुए मुकदमे दायर करें कि हिंदू बहल क्षेत्रों में प्रदर्शित प्रिंटों में मोहनलाल को नायिका से शादी करते हुए दिखाया गया है जबकि मुस्लिम बहुल इलाकों में ममूटी को उससे शादी करते हुए दिखाया गया है मोहनलाल ने उन्नीस सौ निन्यानवे इंडो फ्रेंच एक कथकली कलाकार का चित्रण किया है जिसका निजी जीवन एक त्रासदीपूर्ण है शाहजी एन करुण द्वारा निर्देशित के दौरान भारतीय सिनेमा में नृत्य का जश्न में अनुभाग भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्क्रीनिंग की नई पूर्वव्यापी रूप से 2014 के वान प्रस्थम ए एफ आई उत्सव को वानप्रस्थम में प्रतिस्पर्धी अनुभाग के लिए चुना गया था और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था 2000 से 2009 हज़ार मोहनलाल अभिनेता मधु से बात करते हुए मोहनलाल और मधु ए एम एम ए आ सभा की बैठक में 2008 2000 में मोहनलाल ने नरसिम्हम में अच्छे दिल वाले एक दुष्ट भूमिका निभाई है अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई अगले दो वर्षों में मोहनलाल फिल्मों में जैसी लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया गया था जैसे रावण प्रभु प्रजा जैसी अच्छी तरह से बनी महिला प्रधान फिल्मों की विफलता का कोई अन्य कारण नहीं दिखता मधुर नोम्बा बरकट्टू और माझा हैंगओवर बहुत मजबूत है और कम से कम फिलहाल के लिए अच्छी फिल्मों की संभावनाओं को ख़त्म कर दिया मुझे नरसिम्हम ने लिखा एक आलोचक न्यू इंडियन एक्सप्रेस को छोड़कर इन फिल्मों की उनके दौरा वाले कथानकों बदसंवादों पंच लाइनों और पुरुषवादी दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई रावण प्रभु चतुरंगम और थंडावम दो 2002 में मोहनलाल ने श्रीनिवासन आई पी एस मुंबई पुलिस अधिकारी अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म में कंपनी 2010 में हिंदी फिल्म न्यूज डॉट कॉम के ऑनलाइन पोल में सितारों की तरह दबे हुए या चिंतित नहीं दिखते जब वे पहली बार किसी हिंदी फिल्म में दिखाई देते हैं दक्षिण भारतीय ने नोट किया कि अभिनेता अपने स्वाभाविक सर्वश्रेष्ठ रूप में एक हैं और अन्य द हिंदू द्वारा अभिनेत मोहन लाल के प्रदर्शन को खूब सराहा गया विवेक ओबराय और अजय देवगन यह फिल्म दो लोगों की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है अंडरवर्ल्ड डॉन जिन्होंने मुंबई पर राज किया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है अंडरवर्ल्ड डॉन सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता स्टार स्क्रीन अवॉर्ड और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार भाषी दर्शकों से परिचित कराया और जिसके लिए उन्होंने हिंदी जिसने उन्हें भारत में कंपनी अगले वर्ष मोहनलाल अपनी एक्शन हीरो की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे थे उसके साथ हास्य भूमिकाओं में लौट आए किली चुंदन मम्पाजम बैलेटन हरिहरन पिल्लई हैप्पी यानू लाल ने अथानी पराम बिल बालचंद्रन की भूमिका निभाई जो एक बैंक कर्मचारी था जो हमेशा तैयार रहता था दूसरों की मदद करने के लिए जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार के अविश्वास के कारण कई का रहस्यों को छिपाने के लिए मजबूर है व्यावसायिक रूप से भी सफल रही वी एम बिनु निर्देशक बैलेटन जिसे अभिनेता की वापसी के साधन के रूप में प्रचारित किया गया को अच्छी समीक्षाएँ और अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिला किलीचुंदन मम्पाजम श्रीमान ब्रह्मचारी और नट्टू रावा मम बजा कालम उनकी एकमात्र सफलताएं थी मोहनलाल 2005 में ब्लैक कॉमेडी उद या ननू थारम में एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्देशक के रूप में दिखाई दिए समीक्षकों ने इसे खूब सराहा और उन जगहों पर भी अच्छा प्रदर्शन किया जहाँ मलयालम फिल्में नियमित शो में नहीं चलती जैसे वडोदरा राजकोट पुणे और अहमदाबाद उसी वर्ष वह निर्देशक ब्लैसी थन मथुरा एक फिल्म शो से पीड़ित एक व्यक्ति की कहानी बताती है अल्जाइमर रोग फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और मोहनलाल के प्रदर्शन को समीक्षकों ने काफ़ी सराहा मोहनलाल ने अपनी पाँचवीं जीत हासिल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सातवां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म में उनका किरदार दूसरे भाग में बोलता नहीं है 2007 में मोहन लाल ने परदेशी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता पी द्वारा निर्देशित टी कुंजू मोहम्मद डॉट साइफ़ी डॉट कॉम ने कहा कि मोहन लाल मंत्र मुग्ध कर देने वाले हैं और एक बार फिर भावना के साथ अभिनय के मुहावरे को नया रूप देते हैं उनकी जुलाई रिलीज हालो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक बन गई उस वर्ष अगस्त में वह अपनी दूसरी बॉलीवुड फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई और 2009 में उन्होंने ट्वेंटी में मोहन लाल ने मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर द्वारा निभाई गई भूमिका को दोहराया संजीव कुमार उन्नीस मोहनलाल ने मूल से शोले भी कहा जाता है मेक है बॉलीवुड क्लासिक कराम गोपाल वर्मा की आग जिसे आग तमिल फिल्म उन्नई पोल और उवन में वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म एविडम स्वर्ग मनु का निर्देशन रोशन एंड्रयूज 2010 से 2015 बॉलीवुड अभिनेता अभिनेता बच्चन के साथ मोहनलाल मोहनलाल अमिताभ बच्चन के साथ 2010 में उन्होंने पाँच फिल्मों में अभिनय किया पहली जनखन एक क्राइम थ्रिलर जिसमें उन्होंने सुरेश गोपी एस द्वारा लिखित एन स्वामी फिल्म में उन्होंने एडवोकेट का किरदार निभाया था सूर्य नारायणन का सामना कुछ भगोड़े संदिग्धों से होता है जब वे न्याय के लिए उसके पास होते हैं मुरली नागावल्ली द्वारा निर्देशित अलेक्जेंडर द ग्रेट मई में रिलीज हुई एक हास्यपूर्ण मनोरंजक फिल्म थी और निर्देशक टीआई के राजीव कुमार पटकथा श्रीनिवासन और निर्माता मनियान पिला राजू अमिताभ बच्चन की तीसरी किस्त थी और मेजर महादेवन फिल्म श्रृंखला मेजर महादेवन का अपहरण मोहनलाल ने इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 द्वारा निर्देशित एक युद्ध फिल्म पर आधारित उन्नीस में मेजर रवि कंधार यह थी इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही रमजान जिसमें उन्होंने एक लॉरी ड्राइवर की भूमिका निभाई मोहन लाल की पहली रिलीज 2011 में मल्टी स्टारर क्रिश्चियन ब्रदर्स और थी एक्शन ड्रामा निर्देशित जोशी और पटकथा उदय कृष्ण सीबी के थॉमस जिसमें उन्होंने सुरेश गोपी दिलीप जयराम के साथ सह अभिनय किया कॉम्बो की वापसी को चिन्हित किया फिल्म ने क्रिसमस न्यू ईयर के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया उन्नीस सौ अस्सी और नब्बे के दशक के प्रिया दर्शन मोहन लाल मध्यपुर पूरी तरह से थ्रिलर थी एक्शन कॉमेडी द्वारा निर्देशित जो एक प्रिया दर्शन और कथा उस वर्ष उनकी आखिरी फिल्म थी यह फिल्म थी हिट को उनकी तीन सौ भी फिल्म का श्रेय दिया जाता है स्नेहा वेदू ने मोहन लाल के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया उन्होंने उनकी माँ का किरदार निभाया था शीला गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित एक पारिवारिक फिल्म पहली बार अभिनेत्री पलक्कड़ ने पलक करने किया था सत्यन अंतिकड़ू का निर्देशन स्नेहा विदुअन की अगली फिल्म जयप्रदा और अनुपम खेर या मोहनलाल द्वारा निभाए गए तीन वृद्ध पात्रों निर्देशित आशीर्वाद रोमांटिक ड्रामा अगस्त में रिलीज हुई एक लीक से हटकर उन्होंने प्राणायाम रफी में मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म सौ दिनों से अधिक चली और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक बन गई जो दिलीप और एक और मल्टी स्टारर जिसमें उन्होंने चाइना टाउन अप्रैल रिलीज थी विश्व उनकी शानदार फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक थी मार्च में दुनिया भर में 300 स्क्रीनों पर रिलीज हुई जो उस समय किसी मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज़ थी शरत कुमार 2012 में उन्होंने छह फिल्मों में अभिनय किया उनकी पहली रिलीज़ बहुप्रचारित बड़े बजट की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कासानोवा थी रोशन एंड्रयूज द्वारा निर्देशित और बॉबी संजय द्वारा लिखित उन्होंने कैसानोवा की भूमिका निभाई जो एक धारावाहिक महिलावादी और फूलों के बुटीक की एक अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला है कैसनोवा के इटरनल स्प्रिंग के मालिक हैं बाद में वह बॉलीवुड फिल्म तेज में कैमियो भूमिका में दिखाई दिए जो अप्रैल में रिलीज हुई थी और प्रिया दर्शन द्वारा निर्देशित थी उनकी अगली फिल्म थी भी उन्नी कृष्णन निर्देशक ग्रैंड मास्टर एक नोयर एक अपराध रोमांचक एक पुलिस वाले के बारे में जिसे हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए मजबूर किया जाता है मोहनलाल के शांत और संयमित अभिनय को आलोचकों द्वारा सराहा गया उन द्वारा निर्मित यू मोशन पिक्चर्स यह पहली मलयालम फिल्म थी जो नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज हुई और उपलब्ध कराई गई और रन बेबी रन फिल्म ने 125 दिनों का थिएटर प्रदर्शन पूरा किया केरल में और व्यावसायिक रूप से सफल रही शराबखोरी सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फिल्म को मनोरंजन कर से छूट दे दी गई उनके चेहरे को उजागर करने वाले कौन से ली गई तस्वीर मोहनलाल केरल के, के सत्रहवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2012 में 2013 मोहनलाल के लिए उल्लेखनीय वर्ष था यावावर्ष था जिसमें मलयालम फिल्म की सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम रिलीज हुई थी वर्ष की उनकी पहली फिल्म लोकपाल थी जो एक थ्रिलर फिल्म सतर्क थी जिसमें उन्होंने लोकपाल उपनाम वाले एक सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई थी इसका निर्देशन जोशी ने किया था रस ने लिखा था एन स्वामी रेडवाइन सलाम बप्पू द्वारा निर्देशित एक गैर रेखीय जांच थी एक राजनीतिक हत्या पर आधारित थ्रिलर लेडीज एंड जेंटलमैन सिद्दकी द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी आईटी कंपनियों की पृष्ठभूमि में गीतांजलि प्रिय दर्शन मलयालम क्लासिक फिल्म चित्रा थाजू का स्पिन ऑफ था जिसमें उन्होंने मूल से डॉक्टर सनी की भूमिका को दोहराया था उनकी आखिरी रिलीज दृश्यम जिसका निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया था इसने दुनिया भर में पचहत्तर करोड़ की कमाई की और 2016 तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई 2014 में उन्होंने तमिल एक्शन ड्रामा जिला विजय के साथ आर द्वारा निर्देशित टी निसन और आर द्वारा निर्मित दी चौधरी फिल्म थी व्यावसायिक सफलता दुनिया भर में चेन्नई तमिलनाडु में सौ दिन का नोट नाट्य प्रदर्शन पूरा किया मोहनलाल की 2014 की पहली मलयालम रिलीज मिस्टर थी फ्रॉड एक टकैती फिल्म जिसका निर्देशन बी ने किया है उन्नी कृष्णन या श्रीनाथ राजेंद्रन द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म कोथारा में एक विस्तारित कैमियो भूमिका में दिखाई दिए जो एक आने वाली फिल्म है उम्र रहस्यमय फिल्म एक अनकहे कालखंड पर आधारित है उन्होंने प्रयोगात्मक फिल्म में एक में किरदार निभाया जिसने फिल्म के अंत में खुद को एक मरमैन के रूप में प्रकट किया उनकी अगली हास्यपूर्ण राजनीतिक व्यंग्य फिल्म पेरू चाजी थी जिसे लिखा और निर्देशित किया गया था अरुण वैद नाथन उन्होंने एक युवा राजनीतिक विंगमेकर की भूमिका निभाई जिसे कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर चुनावों में गवर्नर पद के उम्मीदवार को जिताने का काम सौंपा गया है जहां वह जीतने के लिए मानक भारतीय राजनीतिक हथकंडों का उपयोग करता है संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव 2015 में उन्होंने पहली बार कन्नड़ फिल्म मायथ्री रसम में एक छोटी सी भूमिका के साथ थी इन इप्पोजुम निर्देशक सत्यनयन थिकाड़ में उनकी पहली भूमिका थी वर्ष सह अभिनेता मंजू वारियर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही इसके बाद जोशी द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर लैला और लैला आई जो बॉक्स ऑफिस पर समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रही उनकी अगली फिल्म रंजीत निर्देशित थ्रिलर लोहम थी हालांकि इसे मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली लेकिन फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने बॉक्स ऑफिस पर पंद्रह करोड़ का कलेक्शन किया रिवेंज थ्रिलर का नाल उनकी इस साल की आखिरी फिल्म थी इसे आलोचकों से भी मिश्रित समीक्षाएं मिली अड़तालीसवें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह में 2016 वर्तमान 2016 में मोहनलाल की चार फिल्में रिलीज हुई जिनका दुनिया भर में तीन करोड़ का संयुक्त सकल संग्रह था जिससे वह चौथे पीछे रहे अधिक के सकल संग्रह के साथ एक 2016 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई उनकी अगली फिल्म थी जिसने मुरली गोपी ने किया था और लेखन किया था पृथ्वीराज सुकुमारन जिसका निर्देशन लुसिफर फिल्म हरिकृष्णन द्वारा लिखी गई थी यह ओडियन कबीले की किवनदंती पर आधारित है अगली फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया वह में अभिनय किया श्री कुमार मैनन ओडियान वी द्वारा निर्देशित फैंटेसी ड्रामा फिल्म विलेन एक इमोशनल थ्रिलर थी अगले वर्ष उन्होंने भी द्वारा निर्देशित विलन फिल्म आई नेहरू सहायक भूमिकाओं में संगीत विष्णु श्याम द्वारा रचित था जगदीश शंकर इंदु चूड़न शांति और सिद्दिकी की प्रिया मणि के साथ मोहन लाल द्वारा किया गया था फिल्म में आशीर्वाद सिनेमा एंटनी पैरम्बू द्वारा निर्देशित जो भी है शांति माया देवी के साथ पटकथा लिखी इसका निर्माण और वितरण जीतू जोसेफ फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा भाषा मलयालम एक दो हज़ार तेईस भारतीय है सत्य अनुवाद मुख्य फोटोग्राफी अगस्त और अक्टूबर दो हज़ार तेईस के बीच तिरुवनंतपुरम के आसपास हुई इक्कीस दिसंबर दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी मेरू को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म बुक बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दुनिया भर में पचास करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर रही है प्लॉट एक अंधी लड़की सारा के साथ बलात्कार होता है पुलिस उम्मीद खो देती है क्योंकि अपराधी की पहचान करने की कोई गुंजाइश नहीं होती सारा अपने मूर्तिकार कौशल से अपने बलात्कारी की एक मूर्ति बनाती है और समानता के आधार पर वे मुंबई स्थित एक व्यवसायी के बेटे माइकल जोसेफ को गिरफ्तार करते हैं माइकल के माता पिता वकील राजशेखर को नियुक्त करते हैं और माइकल को जमानत मिल जाती है लेकिन सारा का परिवार लड़ने का फैसला करता है जांच अधिकारी सी आई पॉल वर्गीस एक शानदार वकील विजय मोहन को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने का सुझाव देते हैं जो एक पिछली घटना के कारण कई वर्षों से मुकदमे में शामिल नहीं हुए हैं उत्पादन विकास मैंने शांति से यह लिखने के लिए कहा कि ऐसे मामले में कानूनी प्रक्रियाएं कैसे सामने आएंगी लेकिन एक बार जब उन्होंने इसे लिखा तो मुझे एहसास हुआ कि यह एक श्रृंखला के लिए आदर्श होगा लेकिन जब आप इसे एक फिल्म के लिए पैकेज करते हैं तो चुनौतियाँ है, अलग अलग होती हैं साथ ही कहानी में एक रास्ता आने का भी खतरा है इसलिए चुनौती इसे आकर्षक बनाए रखने और प्रमाणिकता को ख़त्म किए बिना गैलरी में चलाने की थी जीतू जोसेफ लेखन में चुनौतियों के बारे में तेरह जुलाई दो हज़ार तेईस को निर्माता एंटनी पैरम्बूर ने आधिकारिक तौर पर जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित एक अनाम फिल्म की घोषणा की शामिल होने की अनुमति मिल गई नेहरू जिसे पृथ्वीराज के पैर की चोट के कारण स्थगित कर दिया गया था जिससे मोहन लाल को एल टू का फिल्मांकन शुरू होने से पहले एक ही छोटे शेड्यूल में अपना काम पूरा कर लेंगे एम पुराण निर्देशित पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया गया कि मोहन लाल उस वर्ष अगस्त में शुरू होने वाला फिल्मांकन के साथ प्रोडक्शन नंबर 33 वर्किंग टाइटल यह प्रोजेक्ट मोहन लाल और अभिनित शीर्षक की आधिकारिक घोषणा बारह अगस्त को मोस्टर के साथ की गई थी जिसमें टैग लाइन भी न्याय की मांग ब्रेल शिला लेख में प्रस्तुत शीर्षक के साथ नेहरू मोहन लाल और जीतू के बीच पाँचवा सहयोग है फिल्म शांति माया देवी और जीतू द्वारा लिखी गई थी पूर्व ने पहले जीतू के साथ दृश्यम दो में एक अभिनेत्री के रूप में काम किया था जीतू ने कई साल पहले कहानी की कल्पना की थी शांति एक पेशेवर वकील को शुरू में जीतू ने दृश्यम दो में अदालत के दृश्य लिखने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया था उनके योगदान से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें सहलेखन के लिए आमंत्रित किया नेहरू जीतु ने दृश्यम दो के सेट पर उनके साथ कहानी साझा की उन्होंने फिल्म की शैली को कोर्ट रूम ड्रामा बताया शांति ने बताया कि उन्होंने आमतौर पर फिल्मों में दिखाए जाने वाले नाटकीय कोर्ट रूम से हटकर कोर्ट रूम के दृश्यों को अधिक यथार्थवादी तरीके से पेश किया ऋतु के अनुसार उनका इरादा एक प्रमाणिक कोर्टरूम ड्रामा बनाने का था जिसमें नाटकीय तत्वों और प्रक्रियात्मक लहजे के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सभी तकनीकी प्रक्रियाएं शामिल हो उन्होंने कहा कि वह सावधान थे कि खिंचाव ना हो अत्यधिक यथार्थवाद वाली फिल्म उनका उद्देश्य अधिकांश दर्शकों को वास्तविक अदालती अनुभव प्रदान करना था जिन्होंने वास्तविक जीवन में ऐसी सेटिंग का सामना नहीं किया होगा कास्टिंग मोहनलाल ने फिल्म में एक वकील की भूमिका निभाई है प्रिया मणि को एक महत्वपूर्ण महिला की भूमिका में लिया गया था भूमिका वह सितंबर दो में सेट में शामिल हुई अनस्वरा राजन को सारा एक अंध मूर्तिकार के रूप में लिया गया जिसके चारों ओर कहानी सामने आती है शांति माया देवी जिनकी शुरुआत में अपने पटकथा में अभिनय करने की कोई योजना नहीं थी अंततः जीतू के निमंत्रण पर फिल्म में भूमिका निभाई कलाकारों में जगदीश भी शामिल हैं बी गणेश कुमार सिद्दीकी अदिति रवि नंदू दिनेश प्रभाकर शंकर इंदु चूड़न मैथ्यू वर्गीश कलेश रामानंद रमा देवी श्री धन्या कला भवन जिंटो रेशमी अनिल और प्रशांत नायक फिल्मांकन प्रधान फोटोग्राफी 17 अगस्त 2023 को शुरू हुई और मलयालम महीने चिंगम की शुरुआत के साथ मेल खाती है एक शुभ दिन माना जाता है इसकी शुरुआत वजूथा कोड में फ्रीम सेन क्लब में आयोजित एक पारंपरिक पूजा समारोह में हुई इसके बाद फिल्मांकन तिरुवनंतपुरम और उसके आसपास हुआ मोहनलाल सितंबर की शुरुआत में चित्रांजलि स्टूडियो के सेट पर शामिल हुए फिल्मांकन 4 अक्टूबर 2023 को पूरा हुआ सतीश कुरूप छायाकार थे कला निर्देशक बोबन थे जबकि वेशभूषा जीतू की पत्नी लिंटा जीतू द्वारा डिजाइन की गई थी संगीत फिल्म का संगीत विष्णु श्याम द्वारा तैयार किया गया था और गीतों के बोल विनायक शशि कुमार ने लिखे थे एक पूर्व रिलीज सिंगल रोहे उन्नीस दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था जिसे कार्तिक ने गाया था और साथ में श्याम और कैथी जीतू का कोरस भी था टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसे विचार उत्तेजक रचना कहा जो कथा के भावनात्मक माहौल को प्रदर्शित करता है जिसने फिल्म की शैली को एक भावनात्मक नाटक के रूप में और मजबूत किया रिलीज नाटकीय नेहरू 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी मीडिया के अनुसार वह स्लॉट जो शुरू में मोहनलाल के निर्देशन में बनी पहली फिल्म बेरोज के लिए आरक्षित था को नेहरू डन की सालार भाग एक युद्ध विराम और एक्वा मैन एंड एंड द लास्ट किंगडम रिलीज जैसे क्रिसमस फिल्म ने अन्य प्रमुख फिल्मों के साथ प्रतिस्पर्धा की पोस्ट प्रोडक्शन में देरी के कारण रिसेप्शन महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया नेहरू को कलाकारों के प्रदर्शन विशेषकर मोहनलाल सिद्ध की और अनस्वरा राजन निर्देशन पटकथा और संपादन की प्रशंसा करते हुए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली द टाइम्स ऑफ इंडिया की अन्ना मैथ्यूज़ ने पाँच में से साढ़े चार स्टार दिए और लिखा कि मोहनलाल और सिद्दकी की डेविड गोलियत की लड़ाई फिल्म की पूरी एक सौ बावन मिनट की अवधि के दौरान दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखती है और भावुक करती है आप मुश्किल अपनी नज़रें स्क्रीन से हटा पाएंगे और नोट किया कि फिल्म अपनी यथार्थवादी कहानी के कारण है फिर भी यह कम व्यापक नहीं है और सभी दर्शकों को पसंद आएंगी उन्होंने कलाकारों की भी प्रशंसा की विशेष रूप से मोहन लाल के शानदार विनम्र प्रदर्शन की इसे साढ़े तीन स्टार दिए गए पाँच में से इसे अटूट फोकस के साथ एक संवेदनशील व्यवहारिक कानूनी नाटक बताया है और मोहन लाल को सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं को स्वीकार किया है उपस्थिति अनुश्वरा और संबोधित मुद्दों से सुर्खियों को दूर नहीं ले जाती उन्होंने मोहनलाल लाल और सिद्दीकी के प्रदर्शन की सराहना की और कानूनी प्रणाली के विभिन्न जटिलताओं की खोज के लिए निर्माताओं की प्रशंसा की और यह जनता से संवेदनशीलता बढ़ाने का आह्वान है मनी कंट्रोल की सौम्या राजेंद्रन ने कहा कि पटकथा इतनी तेज गति वाली है और प्रदर्शन इतना शानदार है कि नेहरू सिनेमाई स्वतंत्रता लेने पर भी लगभग हमेशा दिलचस्प रहता है के जन्नी इंडिया टुडे ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा नेहरू एक दिलचस्प कोर्टरूम ड्रामा है जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है और, और मोहनलाल द्वारा सहमति महिलाओं के अधिकारों और पीड़िता को शर्मशार करने पर संवाद करना इस फिल्म को महिला सशक्तिकरण फिल्मों की लंबी सूची में एक योग्य जोड़ बनाता है के एस प्रवीण ने कहा कि फिल्म लगभग एक रोचक उच्चता प्रदान करती है और यह कि मोहन एक साधारण प्रदर्शन के साथ फॉर्म में वापस आ गए हैं जबकि जीतू जोसेफ ने इस दिलचस्प कानूनी नाटक में अपना जादू ढूंढ लिया है इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स इंडिया के निर्मल नारायणन ने टिप्पणी की कि नेहरू पूर्णतः व्यावसायिक मनोरंजन करता नहीं है लेकिन यह एक इमोशनल कोर्ट रूम ड्रामा है जो आपको तब तक रोमांचित करेगा जब तक कि क्रेडिट मिलना शुरू ना हो जाए उन्होंने विशेष रूप से मोहनलाल और अनुस्वरा के अभिनय और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की जबकि पवित्रा एवीक में इसे आकर्षक कोर्ट रूम ड्रामा का निष्कर्ष निकाला कि जीतू जोसेफ का स्पर्श पूरी फिल्म में स्पष्ट है जो मुझे दृश्यम और इसके सीक्वल की याद दिलाता है उन्होंने मोहनलाल अनुस्वरा और सिद्दिकी की प्रशंसा की और पाँच में से तीन स्टार रेटिंग दी क्रिस द न्यूज़ मिट ने इसे एक मार्मिक अदालती नाटक बताया और आगे कहा कि अपनी शो या सेटिंग के बावजूद नेहरू कुछ सावधानीपूर्वक तर्कों के साथ एक महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है जो मोहनलाल के प्रमुख अभिनेताओं द्वारा दृढ़ता से कहीं और प्रस्तुत की जाती है अनुस्वरा राजन रॉ ओन मनोरमा की स्वाति पी अजीत ने लिखा नेहरू निसंद एक संतोषजनक और आनंददायक घड़ी है जो अधिक गंभीर भूमिकाओं में मोहनलाल की सफल वापसी का प्रतीक है मोहनलाल को एक वकील की भूमिका निभाते हुए मामले की रोमांचक अदालती बहस में भाग लेते हुए देखना वास्तव में ताज़ा है आनंद सुरेश द इंडियन एक्सप्रेस ने पाँच में से ढाई स्टार दिए और लिखा कि मोहनलाल का प्रदर्शन 150 मिनट के रन टाइम को कम लंबा महसूस कराता है कहानी और फिल्म निर्माता की दृष्टि में खुद को पूरी तरह से डुबो कर अपने स्टार व्यक्तित्व को कहानी पर बोझ बनने से बचाते हैं यह विजय मोहन की भूमिका को सटीकता के साथ चित्रित करते हैं बॉक्स ऑफिस नेहरू ने रिलीज़ के आठ दिनों में दुनिया भर में पचास करोड़ से अधिक की कमाई की सिक्वल और स्पिन ऑफ दिसंबर 2023 में प्री रिलीज प्रमोशन चर्चा में मोहन लाल जीतू शांति और एंटनी ने खुलासा किया कि नेहरू के संभावित सिक्वल बन सकते हैं अगर पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित होती है ये सिकवल वकील विजय मोहन द्वारा संभाले गए अतिरिक्त मामलों का पता लगाएंगे मोहनलाल ने अन्य पात्रों पर केंद्रित स्पिन ऑफ की संभावना का भी उल्लेख किया मोहनलाल विश्वनाथन जन्म इक्कीस मई 1960 एक है भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता पार्श्व गायक फिल्म वितरक और निर्देशक जो मुख्य रूप से मलयालम में काम करते हैं फिल्म उद्योग इसके अलावा छिटपुट रूप से तमिल हिंदू तेलुगू और कन्नड़ फिल्में मोहनलाल का चार दशकों से अधिक का शानदार करियर रहा है उन्होंने चार सौ से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है मलयालम सिनेमा में मोहनलाल के योगदान की उनके समकालीनों ने प्रशंसा की पद्म भूषण और दो हजार एक में पद्मश्री से सम्मानित किया उन्हें भारत सरकार भारतीय फिल्म उद्योग नागरिक सम्मान द्वारा सी एन एन न्यूज़ एटीन मोहन लाल को रूप में शामिल नामित किया गया था वे पुरुष जिन्होंने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया कि मानद रैंक से सम्मानित होने वाले भारत के पहले अभिनेता बने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रादेशिक सेना में उनके योगदान के लिए 2009 में भारतीय सिनेमा मोहनलाल ने अपने भिन्न करियर की शुरुआत अट्ठारह साल की उम्र में उन्नीस में मलयालम फिल्म थेरा नोत्तम से की लेकिन फिल्म की रिलीज में 25 साल की देरी हुई सेंसरशिप मुद्दों के कारण उनका स्क्रीन डेब्यू उन्नीस सौ अस्सी की रोमांस फिल्म मंजिल वरीजा पुक्कल से हुआ था जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी उन्होंने खलनायक भूमिकाएं करना जारी रखा और बाद के वर्षों में माध्यमिक मुख्य भूमिकाओं तक पहुँच गए 1980 के दशक के मध्य तक उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद अग्रणी अभिनेता के रूप में स्थापित कर लिया और 1986 में कई सफल फिल्मों में अभिनय करने के बाद स्टारडम हासिल किया उस वर्ष रिलीज हुई क्राइम ड्रामा राजविंते माकन ने उनके स्टारडम को बढ़ाया मोहनलाल ने पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष जूरी उल्लेख और एक विशेष जूरी पुरस्कार अभिनय के लिए और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म निर्माता के रूप में के लिए एक पुरस्कार साथ ही नौ केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण और अनेक अन्य पुरस्कार उन्होंने 2010 में भी श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट प्राप्त की 2018 में कालीकट विश्वविद्यालय मोहनलाल अपने परोपकारी प्रयासों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने विश्व शांति फाउंडेशन की स्थापना की जो एक गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन है जिसे समाज के वंचित वर्गों के लिए उच्च प्रभाव और केंद्रित कार्यक्रम बनाने और वितरित करने के लिए शुरू किया था स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र प्रारंभिक जीवन मोहनलाल विश्वनाथन का जन्म एलान्थुर पठान मिठा जिले केरल इक्कीस मई 1960 को हुआ वह पूर्व नौकरशाह और कानून सचिव विश्वनाथन नायर की सबसे छोटी संतान है केरल सरकार और संथा कुमारी प्रारंभिक जीवन मोहनलाल विश्वनाथन का जन्म एलान्थुर पठान मिट्टा जिले में केरल में इक्कीस मई 1960 को हुआ उनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम प्यारे लाल था 2000 में एक सैन्य अभ्यास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई मोहनलाल का नाम उनके मामा गोपीनाथन ने रखा था नायर जिन्होंने शुरुआत में मोहनलाल चुनने से पहले अपना नाम रोशनलाल रखने का फ़ैसला किया था हालांकि उनके पिता उन्हें उन उपनाम देने से बचते थे उनके पिता इस बात पर अड़े थे कि उन्होंने अपना जाति नाम नायर उपनाम के रूप में नहीं रखना चाहिए जैसा कि उन सभी के पास था मोहनलाल अपने पैतृक घर तिरुवनंतपुरम में मुदावन मुगल में पले बढ़े उन्होंने गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम से पढ़ाई की और स्नातक की उपाधि प्राप्त की बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री महात्मा गांधी कॉलेज तिरुवनंतपुरम मोहन एंड हैश की पहली भूमिका कंप्यूटर बॉय नामक एक स्टेज प्ले के लिए छठी कक्षा के छात्र के रूप में थी जिसमें उन्होंने एक नब्बे वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाई थी 1977 और 1978 के दौरान यह केरल राज्य कुश्ती चैंपियन थे फिल्मी करियर प्रारंभिक वर्ष 1978 से उन्नीस मोहनलाल ने अपने अभिनय की शुरुआत 1978 में फिल्म थिरानोट्टम से की जिसका निर्माण और निर्माण मोहनलाल और उनके दोस्तों द्वारा किया गया था मनियान पिल्ला राजू सुरेश कुमार उन्नी प्रिया दर्शन रवि कुमार और कुछ अन्य मोहनलाल ने मानसिक रूप से अक्षम नौकर कुटप्पन की भूमिका निभाई सेंसरशिप से जुड़ी कुछ दिक्कतों के कारण फिल्म तय समय पर रिलीज नहीं हो पाई इस फिल्म को रिलीज़ होने में पच्चीस साल लग गए 1980 में मोहनलाल को मंजिल विरिजा पुक्कल में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका में लिया गया था जो फिल्म को बड़ी सफलता मिली मोहनलाल के दोस्तों ने जारी एक विज्ञापन में जवाब दिया उनका आवेदन भेजा था नवोदय स्टूडियो उन्होंने एक पैनल के सामने भूमिका के लिए ऑडिशन दिया जिसमें पेशेवर भी शामिल थे निर्देशक उनकी शक्ल से नाखुश होकर उनमें से दो ने उन्हें खराब अंक दिए लेकिन फाजिल और जीजू अप्पाचंद ने उन्हें सौ में से नब्बे और पचानवे अंक दिए 2004 में रीडर्स डाइजेस्ट के साथ एक साक्षात्कार में मोहनलाल ने कहा कि एक युवा व्यक्ति के रूप में उनकी शक्ल शायद की छवि उनकी प्रशंसित नकारात्मक भूमिकाएं शामिल हैं संध्या कुबेजा पुबू और कोइलियन थेडी उन्नीस तक मोहन को पच्चीस से अधिक फीचर फिल्मों में श्रेय दिया गया उनमें से अधिकांश में उन्होंने नकारात्मक भूमिकाएं निभाई ऐसी फिल्में जैसे कि एंटे मोहंगल पूव निंजु इनी ये गिलम वीजा, अट्टकल शम कोलिल अल्पम कार्यम उन्नीस में उन्होंने फ़िल्म ओन्नम कुन्निल और आड़ी कुन्निल के लिए गाना रिकॉर्ड किया उ रंगा लिल नोके था दुराथु कन्नुम नट्टू बोइंग बोइंग और आराम आराम किन्नरम इस अवधि में उनकी कुछ फिल्में थीं 1986 से 2000 इस अवधि के दौरान मोहनलाल ने महान उस्तादों द्वारा बनाई गई फिल्मों में बहुत अलग भूमिकाएं निभाई, जैसे कि जी अरविंदन हरिहरन एम टी वासुदेवन नायर पद्मराजन, भारतन और लोहिता दास मोहन लाल अभिनेता के साथ और पटकथा लेखक श्रीनिवासन जिन्होंने कई फिल्मों में उनके सहायक की भूमिका निभाई 1986 में उन्होंने टीम में अभिनय किया पी बाल गोपालन एम ए निर्देशक सत्यनंद जिसके लिए उन्होंने अपना पहला उन्होंने एक बेरोजगार युवक का किरदार निभाया जो जिम्मेदारी निभाता है उसके परिवार की समाधानम में एक उत्पीड़ित गृहस्वामी की भूमिका में उनके प्रदर्शन ने उन्हें, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया राजविंत माकन का दर्जा किया को तोड़ती है इस दौरान मलयालम फिल्म उद्योग में अकेले उन्नीस सौ छियासी में मोहनलाल लाल छत्तीस मलयालम फिल्मों में दिखाई दिए रूढ़ीवादिता में सोलोमन की भूमिका निभाई पद्मराजन के साथ मोहनलाल का जुड़ाव बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि उनकी फिल्में ऐसी कहानियां बताती थीं जो अपने समय से बहुत आगे थी और प्रचलित कई पारंपरिक नामों को पारक खन मुंथी में अभिनय किया जिसमें उन्होंने विनोद कुमार नामक एक युवक की भूमिका निभाई जो अपने प्रेमिका को देखकर मानसिक रूप से बीमार हो जाता है उनचालीस की मृत्यु उन्होंने पद्मराजन की थलवटम्रासदी विंसेट वोमेज की भूमिका निभाई उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन उन्नीस जिसमें उन्होंने सुपरस्टार उसी वर्ष अगले वर्ष मोहनलाल ने श्रीनिवासन और शोभना सत्यन एंथी कॉर्ड फिल्म कॉमेडी नाडो डिकाटू में जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही मोहनलाल और श्रीनिवासन ने इसके सिक्वल में क्रमशः जासूस दासन और विजयन के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई पट्टन प्रवेशम 1988 और अक्करे 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 1990 सौ नब्बे थुवन थुम्बिकल पद्मराजन द्वारा निर्देशित जिसमें उन्होंने अपने जुड़वा प्रेम संबंधों के बीच फंसे हुए एक व्यक्ति को चित्रित किया जिसने भारतीय फिल्मों में कई रूढ़िवादिता को तोड़ दिया जैसे मुख्य पुरुष को पहली महिला द्वारा अस्वीकार किए जाने के तुरंत बाद दूसरी महिला से प्यार हो जाता है और एक आदमी को एक सेक्स वर्कर से प्यार हो गया उन्नीस सौ उनासी में लेखिका लोहिता दास और निर्देशक सीबी मल्यल का संयोजन ने सेतु माधवन नामक व्यक्ति का किरदार बनाया जो एक पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखता है लेकिन रासदी के रिदम में एक अपराधी बन जाता है इस भूमिका ने मोहनलाल को राष्ट्रीय फिल्म विषय जुरी उल्लेख दिया मोहनलाल ने बाद में याद किया कि सेतु माधवन की मानसिक पीड़ा का उनका चित्रण जिसे एक स्वाभाविक प्रदर्शन के रूप में सराहा गया सहस था और उन्होंने वही किया जो मेरा किरदार सेतु माधवन ऐसी स्थिति में करता उन्होंने आगे कहा कि अभिनय था किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के समान उसी वर्ष उन्होंने एक फिल्म में अभिनय किया जो व्यावसायिक रूप से सफल रही वारा वेलपू जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जिसने खाड़ी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया फिल्म का जिक्र 18 जनवरी 2003 को कोची में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के उद्घाटन के दौरान वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के प्रति मलयाली द्वारा ज्ञानता के उदाहरण के रूप में उन्होंने पद्मराजन की एक और फिल्म में अभिनय किया 1990 के दशक की शुरुआत में मोहनलाल ने कई व्यावसायिक फ़िल्मों में अभिनय किया जैसे हेज हाइनस अब्दुल्ला मिथुनम और नंबर बीस मद्रास मेल महामहिम अब्दुल्ला मोहनलाल का उनकी कंपनी प्रणवम आर्ट्स इंटरनेशनल थजवार में एक विदुर के रूप में दिखाई दिए जो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त द्वारा अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेना चाहता है उन्नीस में उनकी रोमांटिक कॉमेडी के लुक कम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य फिल्म पुरस्कार मिला यह फिल्म मलयालम में अब तक की सबसे महान कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाती है यह उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म भी बन गई जिस पर एक ईर्ष्यालु भाई का बोझ है जिससे उसे कर्नाटक गायक के नज़रिए से यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसमें उनकी भूमिका एक भारत भारतम में उनकी भूमिका को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शनों में सूचीबद्ध किया गया था फोबर्स इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के अवसर पर उन्होंने कमला दालम उन्नीस बयानवे में भरतनाट्यम नर्तक की भूमिका निभाई उन्होंने अपने कोरियोग्राफर और अपने सह अभिनेताओं और पेशेवर नर्तकों विनीत और मोनिशा राजशिल्पी सद्यम योद्धा और वियतनाम कॉलोनी उन्नीस में रिलीज़ हुई उनकी अन्य फिल्में थीं नाटक देवासुरम उन्नीस सौ तिरानवे माना जाता है पंथ क्लासिक मोहनलाल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी और इसे एक द्वारा निर्देशित भी ससी और उन्नीस सौ चौरानवे में मोहनलाल ने फाजिल निर्देशित क्लासिक क्लासिक एक मनोचिकित्सक के रूप में स्पाडिकम उन्नीस सौ पचानवे का एक काम था जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना तीसरा केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और अपने चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मलयालम के लिए पांचवा फेयर पुरस्कार जीता थॉमस आदू थोमा चाकू एक युवा व्यक्ति को ठग बन जाता है जो अपने पिता की उच्च उम्मीदों को पूरा करने में असफल होने पर अपने पिता से अलग हो जाता है उन्नीस में मोहनलाल ने प्रिय दर्शन की काला पानी में अभिनय किया जो सेलुलर जेल के कैदियों के बारे में एक महाकाव्य फिल्म थी पोर्ट ब्लेयर और ललोहिता दास का कन उन्नीस सौ उन्होंने उन्नीस में राजीव आंचल द्वारा निर्देशित गुरु में मुख्य भूमिका निभाई इस फिल्म को आस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामांकन के लिए चुना गया था उन्नीस के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी मोहनलाल ने उन्नीस में तमिल जीवनी पर आधारित फिल्म इरुवर में अपनी पहली गैर मलयालम फिल्म में अभिनय किया मणिर रत्नम द्वारा निर्देशित फिल्म जिसमें मोहनलाल ने कैसे अभिनेता को दर्शाया था जो राजनीति में चला जाता है एम जी श्री रामचंद्रन के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण सफलता थी और बेलग्रेड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते उन्नीस में उन्होंने हरि कृष्णंस का निर्माण और अभिनय किया सह अभिनित ममोटी और जूही चावला फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही लेकिन समीक्षकों द्वारा इसे अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली फिल्म में दोहरे क्लाइमैक्स थे जिसे प्रत्येक विशेष क्षेत्र में दो प्रमुख अभिनेताओं की लोकप्रियता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया हालांकि यह विवादास्पद हो गया और सांप्रदायिक मोड़ तब ले लिया जब यह दावा करते हुए मुकदमे दायर करें कि हिंदू बहन क्षेत्रों में प्रदर्शित प्रिंटों में मोहनलाल को नायिका से शादी करते हुए दिखाया गया है जबकि मुस्लिम बहुल इलाकों में ममूटी को उससे शादी करते हुए दिखाया गया है मोहनलाल ने उन्नीस सौ निन्यानवे इंडो फ्रेंच एक कलाकार का चित्रण किया है जिसका निजी जीवन एक त्रासदीपूर्ण है शाहजी एन करुण द्वारा निर्देशित के दौरान भारतीय सिनेमा में नृत्य का जश्न में अनुभाग भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्क्रीनिंग की नई पूर्वव्यापी रूप से 2014 के वान प्रस्थम ए एफ आई उत्सव को वानप्रस्थम में प्रतिस्पर्धी अनुभाग के लिए चुना गया था और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था 2000 से 2009 हज़ार मोहनलाल अभिनेता मधु से बात करते हुए मोहनलाल और मधु एम एम ए आम सभा की बैठक में 2008-2009 में मोहनलाल ने नरसिम्हम में अच्छे दिल वाले एक दुष्ट भूमिका निभाई है अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई अगले दो वर्षों में मोहनलाल फिल्मों में जैसी लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया गया था जैसे रावण प्रभु प्रजा जैसी अच्छी तरह से बनी महिला प्रधान फिल्मों की विफलता का कोई अन्य कारण नहीं दिखता मधुर नोम्बा बरकट्टू और माझा हैंगओवर बहुत मजबूत है और कम से कम फिलहाल के लिए अच्छी फिल्मों की संभावनाओं को खत्म कर दिया मुझे नरसिम्हम ने लिखा एक आलोचक न्यू इंडियन एक्सप्रेस को छोड़कर इन फिल्मों की उनके दौरा वाले कथानकों बदस संवादों पंच लाइनों और पुरुषवादी दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई रावण प्रभु चतुरंगम और थंडावम ओनमन 2002 दो में मोहनलाल ने श्रीनिवासन आई पी एस मुंबई पुलिस अधिकारी अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म में कंपनी 2010 में हिंदी फिल्म न्यूज़ डॉट कॉम के ऑनलाइन पोल में सितारों की तरह दबे हुए या चिंतित नहीं दिखते जब वे पहली बार किसी हिंदी फिल्म में दिखाई देते हैं दक्षिण भारतीय ने नोट किया कि अभिनेता अपने स्वाभाविक सर्वश्रेष्ठ रूप में एक हैं और अन्य द हिंदू द्वारा अभिनीत मोहन लाल के प्रदर्शन को खूब सराहा गया विवेक ओबराय और अजय देवगन यह फिल्म दो लोगों की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है अंडरवर्ल्ड डॉन जिन्होंने मुंबई पर राज किया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है अंडरवर्ल्ड डॉन सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता स्टार स्क्रीन अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार भाषी दर्शकों से परिचित कराया और जिसके लिए उन्होंने हिंदी जिसने उन्हें भारत में कंपनी अगले वर्ष मोहनलाल अपनी एक्शन हीरो की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे थे उसके साथ हास्य भूमिकाओं में लौट आए किली चुंदन मम्पाजम बैलेटन हरिहरन पिल्लई हैप्पी यानू लाल ने अथानी पराम बिल बालचंद्रन की भूमिका निभाई जो एक बैंक कर्मचारी था जो हमेशा तैयार रहता था दूसरों की मदद करने के लिए जो अपने पिता की मृत्यु के, के बाद अपने परिवार के अविश्वास के कारण कई का रहस्यों को छिपाने के लिए मजबूर है व्यावसायिक रूप से भी सफल रही वी एम बिनु निर्देशक बैलेटन जिसे अभिनेता की वापसी के साधन के रूप में प्रचारित किया गया को अच्छी समीक्षाएं और अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिला चंदन मम्पाजम श्रीमान ब्रह्मचारी और नट्टू रावा मम बजा कालम उनकी एकमात्र सफलताएं थी मोहनलाल 2005 में ब्लैक कॉमेडी उद या ननु थारम में एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्देशक के रूप में दिखाई दिए समीक्षकों ने इसे खूब सराहा और उन जगहों पर भी अच्छा प्रदर्शन किया जहाँ मलयालम फिल्में नियमित शो में नहीं चलती जैसे वडोदरा राजकोट पुणे और अहमदाबाद उसी वर्ष वह निर्देशक ब्लैसी थन मथ्रा एक फिल्म शो से पीड़ित एक व्यक्ति की कहानी बताती है अल्जाइमर रोग फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और मोहनलाल के प्रदर्शन को समीक्षकों ने काफ़ी सराहा मोहनलाल ने अपनी पांचवी जीत हासिल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सातवां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म में उनका किरदार दूसरे भाग में बोलता नहीं है 2007 में मोहन लाल ने परदेशी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता पी द्वारा निर्देशित टी कुंजू मोहम्मद डॉट साइफ़ी डॉट कॉम ने कहा कि मोहनलाल मंत्र मुग्ध कर देने वाले हैं और एक बार फिर भावना के साथ अभिनय के मुहावरे को नया रूप देते हैं उनकी जुलाई रिलीज हालो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक बन गई उस वर्ष अगस्त में वह अपनी दूसरी बॉलीवुड फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई और 2009 में उन्होंने ट्वेंटी में मोहन लाल ने मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर द्वारा निभाई गई भूमिका को दोहराया संजीव कुमार उन्नीस सौ पचहत्तर मोहन लाल ने मूल से शोले भी कहा जाता है मेक है बॉलीवुड क्लासिक कराम गोपाल वर्मा की आग जिसे आग तमिल फिल्म उन्नई पोल और में वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म एविडम स्वर्ग मनु का निर्देशन रोशन एंड्रयूज 2010 से 2015 बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ मोहन लाल मोहनलाल अमिताभ बच्चन के साथ 2010 में उन्होंने पाँच फिल्मों में अभिनय किया पहली जनखन एक क्राइम थ्रिलर जिसमें उन्होंने सुरेश गोपी एस द्वारा लिखित एन स्वामी फिल्म में उन्होंने एडवोकेट का किरदार निभाया था सूर्य नारायणन का सामना कुछ भगोड़े संदिग्धों से होता है जब वे न्याय के लिए उसके पास होते हैं मुरली नागावल्ली द्वारा निर्देशित अलेक्जेंडर द ग्रेट मई में रिलीज हुई एक हास्यपूर्ण मनोरंजक फिल्म थी औरलम निर्देशक टी के राजीव कुमार पटकथा श्रीनिवासन और निर्माता मनियान पिला राजू अमिताभ बच्चन की तीसरी किश्त थी और मेजर महादेवन फिल्म श्रृंखला मेजर महादेवन का अपहरण मोहनलाल ने इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 द्वारा निर्देशित एक युद्ध फिल्म पर आधारित उन्नीस में मेजर रवि कंधार यह थी इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही रमजान जिसमें उन्होंने एक लॉरी ड्राइवर की भूमिका निभाई मोहनलाल की पहली रिलीज 2011 में मल्टी स्टारर क्रिश्चियन ब्रदर्स और थी एक्शन ड्रामा निर्देशित जोशी और पटकथा उदय कृष्ण सीबी के थॉमस जिसमें उन्होंने सुरेश गोपी दिलीप जयराम के साथ सह अभिनय किया कोम्बो की वापसी को चिन्हित किया फिल्म ने क्रिसमस न्यू ईयर के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया उन्नीस सौ अस्सी और नब्बे के दशक के प्रिया दर्शन मोहन लाल मध्यपुर पूरी तरह से थ्रिलर थी एक्शन कॉमेडी द्वारा निर्देशित जो एक प्रिया दर्शन और भूमि कथा उस वर्ष उनकी आखिरी फिल्म थी यह फिल्म थी हिट को उनकी तीन सौ फिल्म का श्रेय दिया जाता है स्नेहा वेदु ने मोहन लाल के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया उन्होंने उनकी मां का किरदार निभाया था शीला गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित एक पारिवारिक फिल्म पहली बार अभिनेत्री पलक्कड़ ने पलक करने किया था सत्यन अंतिकड़ू का निर्देशन स्नेहा विदुअन की अगली फिल्म जयप्रदा और अनुपम खेर यह मोहनलाल द्वारा निभाए गए तीन वृद्ध पात्रों निर्देशित आशीर्वाद रोमांटिक ड्रामा अगस्त में रिलीज हुई एक लीक से हटकर उन्होंने प्राणायाम रफी मोय में कार्टिन मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म सौ दिनों से अधिक चली और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक बन गई जो दिलीप और एक और मल्टी स्टारर जिसमें उन्होंने चाइना टाउन अप्रैल रिलीज़ थी विश्व उनकी शानदार फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक थी मार्च में दुनिया भर में 300 स्क्रीनों पर रिलीज़ हुई जो उस समय किसी मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज़ थी शरत कुमार 2012 में उन्होंने छह फिल्मों में अभिनय किया उनकी पहली रिलीज़ बहुप्रचारित बड़े बजट की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कासानोवा थी रोशन एंड्री द्वारा निर्देशित और बॉबी संजय द्वारा लिखित उन्होंने कैसानोवा की भूमिका निभाई जो एक धारावाहिक महिलावादी और फूलों के बुटीक की एक अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला है कैसनोवा के इटरनल स्प्रिंग के मालिक हैं बाद में वह बॉलीवुड फिल्म तेज में कैम्यू भूमिका में दिखाई दिए जो अप्रैल में रिलीज हुई थी और प्रिया दर्शन द्वारा निर्देशित थी उनकी अगली फिल्म थी वी उन्नी कृष्णन निर्देशक ग्रैंड मास्टर एक नवनोयर एक अपराध रोमांचक एक पुलिस वाले के बारे में जिसे हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए मजबूर किया जाता है मोहनलाल लाल के शांत और संयमित अभिनय को आलोचकों द्वारा सराहा गया उन द्वारा निर्मित यू मोशन पिक्चर्स यह पहली मलयालम फिल्म थी जो नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज हुई और उपलब्ध कराई गई और रन बेबी रन फिल्म ने 125 दिनों का थिएटर प्रदर्शन पूरा किया केरल में और व्यावसायिक रूप से सफल रही शराबखोरी सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फिल्म को मनोरंजन कर से छूट दे दी गई उनके चेहरे को उजागर करने वाले कौन से ली गई तस्वीर मोहनलाल केरल के, के सत्रहवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2012 में 2013 मोहनलाल के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष था या वर्ष था जिसमें मलयालम फिल्म के सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम रिलीज हुई थी वर्ष की उनकी पहली फिल्म लोकपाल थी जो एक थ्रिलर फिल्म सतर्क थी जिसमें उन्होंने लोकपाल उपनाम वाले एक सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई थी इसका निर्देशन जोशी ने किया था रस ने लिखा था एन स्वामी रेडवाइन सलाम बप्पू द्वारा निर्देशित एक गैर रेखीय जांच थी एक राजनीतिक हत्या पर आधारित थ्रिलर लेडीज एंड जेंटलमैन सिद्दकी द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी आई कंपनियों की पृष्ठभूमि में गीतांजलि प्रिय दर्शन मलयालम क्लासिक फिल्म चित्रा थाजू का स्पिन ऑफ था जिसमें उन्होंने मूल से डॉक्टर सनी की भूमिका को दोहराया था उनकी आखिरी रिलीज़ दृश्यम जिसका निर्देशन जीतू जोसफ ने किया था इसने दुनिया भर में पचहत्तर करोड़ की कमाई की और 2016 तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई 2014 में उन्होंने तमिल एक्शन ड्रामा जिला विजय के साथ आर द्वारा निर्देशित टी निसन और आर द्वारा निर्मित दी चौधरी फिल्म थी व्यावसायिक सफलता दुनिया भर में चेन्नई तमिलनाडु में सौ दिन का नॉट नाट्य प्रदर्शन पूरा किया मोहनलाल की 2014 की पहली मलयालम रिलीज मिस्टर थी फ्रॉड एक टकैती फिल्म जिसका निर्देशन बी ने किया है उन्नी कृष्णन या श्रीनाथ राजेंद्रन द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म को थारा में एक विस्तारित कैमियो भूमिका में दिखाई दिए जो एक आने वाली फिल्म है उम्र रहस्यमय फिल्म एक अनकहे कालखंड पर आधारित है उन्होंने प्रयोगात्मक फिल्म में एक रहस्यमय किरदार निभाया जिसने फिल्म के अंत में खुद को एक मरमैन के रूप में प्रकट किया उनकी अगली हास्यपूर्ण राजनीतिक व्यंग्य फिल्म पेरू चाजी थी जिसे लिखा और निर्देशित किया गया था अरुण नाथन उन्होंने एक युवा राजनीतिक विंगमेकर की भूमिका निभाई जिसे कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर चुनावों में गवर्नर पद के उम्मीदवार को जिताने का काम सौंपा गया है जहां वह जीतने के लिए मानक भारतीय राजनीतिक हथकंडों का उपयोग करता है संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव 2015 में उन्होंने पहली बार कन्नड़ फिल्म माइथ्री रसम में एक छोटी सी भूमिका के साथ थी इन इप्पोजुम निर्देशक सत्यनयन थी में उनकी पहली भूमिका थी वर्ष सह अभिनेत मंजू वारियर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही इसके बाद जोशी द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर लैला ओ लैला आई जो बॉक्स ऑफिस पर समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रही उनकी अगली फिल्म रंजीत निर्देशित थ्रिलर लोहम थी हालांकि इसे मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली लेकिन फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने बॉक्स ऑफिस पर पंद्रह करोड़ का कलेक्शन किया रिवेंज थ्रिलर का नाल उनकी इस साल की आखिरी फिल्म थी इसे आलोचकों से भी मिश्रित समीक्षाएँ मिली अड़तालीसवें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह में 2016 वर्तमान 2016 में मोहनलाल की चार फिल्में रिलीज़ हुई जिनका दुनिया भर में तीन करोड़ का संयुक्त सकल संग्रह था जिससे वह चौथे पीछे रहे अधिक के सकल संग्रह के साथ एक 2016 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई उनकी अगली फिल्म थी जिसने मुरली गोपी ने किया था और लेखन किया था पृथ्वीराज सुकुमारन जिसका निर्देशन लुसिफर फिल्म कृष्णन द्वारा लिखी गई थी यह ओडियन कबीले की दंती पर आधारित है अगली फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया वह में अभिनय किया श्री कुमार मैनन ओडियान वी द्वारा निर्देशित फैंटेसी ड्रामा फिल्म विलेन एक इमोशनल थ्रिलर थी अगले वर्ष उन्होंने भी द्वारा निर्देशित विलन फिल्म आई नेहरू सहायक भूमिकाओं में संगीत विष्णु श्याम द्वारा रचित था जगदीश शंकर इंदु चूड़न शांति और सिद्दिकी की प्रिया मणि के साथ मोहनलाल द्वारा किया गया था फिल्मी आशीर्वाद सिनेमा एंटनी पैरम्बू द्वारा निर्देशित जो भी है शांति माया देवी के साथ पटकथा लिखी इसका निर्माण और वितरण जीतू जोसेफ फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा भाषा मलयालम एक दो हज़ार तेईस भारतीय है सत्य अनुवाद मुख्य फोटोग्राफी अगस्त और अक्टूबर दो हज़ार तेईस के बीच तिरुवनंतपुरम के आसपास हुई इक्कीस दिसंबर दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी मेरू को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म बुक बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दुनिया भर में पचास करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर रही है प्लॉट एक अंधी लड़की सारा के साथ बलात्कार होता है पुलिस उम्मीद खो देती है क्योंकि अपराधी की पहचान करने की कोई गुंजाइश नहीं होती सारा अपने मूर्तिकार कौशल से अपने बलात्कारी की एक मूर्ति बनाती है और समानता के आधार पर वे मुंबई स्थित एक व्यवसायी के बेटे माइकल जोसेफ को गिरफ्तार करते हैं माइकल के माता पिता वकील राजशेखर को नियुक्त करते हैं और माइकल को जमानत मिल जाती है लेकिन सारा का परिवार लड़ने का फैसला करता है जांच अधिकारी सी आई पॉल वर्गी से एक शानदार वकील विजय मोहन को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने का सुझाव देते हैं जो एक पिछली घटना के कारण कई वर्षों से मुकदमे में शामिल नहीं हुए हैं उत्पादन विकास मैंने शांति से यह लिखने के लिए कहा कि ऐसे मामले में कानूनी प्रक्रियाएं कैसे सामने आएंगी लेकिन एक बार जब उन्होंने इसे लिखा तो मुझे एहसास हुआ कि यह एक श्रृंखला के लिए आदर्श होगा लेकिन जब आप इसे एक फिल्म के लिए पैकेज करते हैं तो चुनौतियाँ है अलग अलग होती हैं साथ ही कहानी में एक रास्ता आने का भी खतरा है इसलिए चुनौती इसे आकर्षक बनाए रखने और प्रमाणिकता को खत्म किए बिना गैलरी में चलाने की थी जीतू जोसेफ लेखन में चुनौतियों के बारे में तेरह जुलाई दो हज़ार तेईस को निर्माता एंटनी पैरम्बोर ने आधिकारिक तौर पर जीतू जोसेफ़ द्वारा निर्देशित एक अनाम फिल्म की घोषणा की शामिल होने की अनुमति मिल गई नेहरू जिसे पृथ्वीराज के पैर की चोट के कारण स्थगित कर दिया गया था जिससे मोहन लाल को एल टू का फिल्मांकन शुरू होने से पहले एक ही छोटे शेड्यूल में अपना काम पूरा कर लेंगे एम पुराण निर्देशित पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया गया कि मोहन लाल उस वर्ष अगस्त में शुरू होने वाला फिल्मांकन के साथ प्रोडक्शन नंबर 33 वर्किंग टाइटल यह प्रोजेक्ट मोहन लाल और अभिनित शीर्षक की आधिकारिक घोषणा बारह अगस्त को मोस्टर के साथ की गई थी जिसमें टैग लाइन भी न्याय की मांग ब्रेल शिला लेख में प्रस्तुत शीर्षक के साथ नेहरू मोहन लाल और जीतू के बीच पाँचवा सहयोग है फिल्म शांति माया देवी और जीतू द्वारा लिखी गई थी पूर्व ने पहले जीतू के साथ दृश्यम दो में एक अभिनेत्री के रूप में काम किया था जीतू ने कई साल पहले कहानी की कल्पना की थी शांति एक पेशेवर वकील को शुरू में जीतू ने दृश्यम दो में अदालत के दृश्य लिखने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया था उनके योगदान से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें सहलेखन के लिए आमंत्रित किया नेहरू जीतू ने दृश्यम दो के सेट पर उनके साथ कहानी साझा की उन्होंने फिल्म की शैली को कोर्ट रूम ड्रामा बताया शांति ने बताया कि उन्होंने आमतौर पर फिल्मों में दिखाए जाने वाले नाटकीय कोर्ट रूम से हटकर कोर्टरूम के दृश्य को अधिक यथार्थवादी तरीके से पेश किया ऋतु के अनुसार उनका इरादा एक प्रमाणिक कोर्ट रूम ड्रामा बनाने का था जिसमें नाटकीय तत्वों और प्रक्रियात्मक लहजे के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सभी तकनीकी प्रक्रियाएं शामिल हो उन्होंने कहा कि वह सावधान थे कि खिंचाव ना हो अत्यधिक यथार्थवाद वाली फिल्म उनका उद्देश्य अधिकांश दर्शकों को वास्तविक अदालती अनुभव प्रदान करना था जिन्होंने वास्तविक जीवन में ऐसी सेटिंग का सामना नहीं किया होगा कास्टिंग मोहनलाल ने फिल्म में एक वकील की भूमिका निभाई है प्रिया मणि को एक महत्वपूर्ण महिला की भूमिका में लिया गया था भूमिका वह सितंबर 2023 में सेट में शामिल हुई अनस्वरा राजन को सारा एक अंध मूर्तिकार के रूप में लिया गया जिसके चारों ओर कहानी सामने आती है शांति माया देवी जिनकी शुरुआत में अपने पटकथा में अभिनय करने की कोई योजना नहीं थी अंततः जीतू के निमंत्रण पर फिल्म में भूमिका निभाई कलाकारों में जगदीश भी शामिल हैं, बी गणेश कुमार सिद्दीकी अदिति रवि नंदू दिनेश प्रभाकर शंकर इंदु चूड़न मैथ्यू वर्गिश कलेश रामानंद रमा देवी श्री धन्या कलाभवन जिंटो रेशमी अनिल और प्रशांत नायक फिल्मांकन प्रधान फोटोग्राफी 17 अगस्त 2023 को शुरू हुई और मलयालम महीने चिंगम की शुरुआत के साथ मेल खाती है एक शुभ दिन माना जाता है इसकी शुरुआत कोड में फ्रीम सेन क्लब में आयोजित एक पारंपरिक पूजा समारोह में हुई इसके बाद फिल्मांकन तिरुवनंतपुरम और उसके आसपास हुआ मोहन लाल सितंबर की शुरुआत में चित्रांजलि स्टूडियो के सेट पर शामिल हुए फिल्मांकन 4 अक्टूबर 2023 को पूरा हुआ सतीश कुरूप छायाकार थे कला निर्देशक बोबन थे जबकि वेशभूषा जीतू की पत्नी लिंटा जीतू द्वारा डिजाइन की गई थी संगीत फिल्म का संगीत विष्णु श्याम द्वारा तैयार किया गया था और गीतों के बोल विनायक शशि कुमार ने लिखे थे एक पूर्व रिलीज सिंगल रोहे उन्नीस दिसंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया था जिसे कार्तिक ने गाया था और साथ में श्याम और कैथी जीतू का ओरस भी था टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे विचार उत्तेजक रचना कहा जो कथा के भावनात्मक माहौल को प्रदर्शित करता है जिसने फिल्म की शैली को एक भावनात्मक नाटक के रूप में और मजबूत किया रिलीज नाटकीय नेहरू 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी मीडिया के अनुसार वैस लॉट जो शुरू में मोहनलाल के निर्देशन में बनी पहली फिल्म बेरोज के लिए आरक्षित था को नेहरू डन की सालार भाग एक युद्ध विराम और एक्वा मैन एंड एंड द लास्ट किंगडम रिलीज जैसे क्रिसमस फिल्म ने अन्य प्रमुख फिल्मों के साथ प्रतिस्पर्धा की पोस्ट प्रोडक्शन में देरी के कारण रिसेप्शन महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया नेहरू को कलाकारों के प्रदर्शन विशेषकर मोहनलाल, लाल और अनेश्वरा राजन निर्देशन पटकथा और संपादन की प्रशंसा करते हुए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली द टाइम्स ऑफ इंडिया के अन्ना मैथ्यूज़ ने पाँच में से साढ़े चार स्टार दिए और लिखा कि मोहनलाल और सिद्दिकी की डेविड गोलियत की लड़ाई फिल्म की पूरी एक सौ बावन मिनट की अवधि के दौरान दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखती है और भावुक करती है आप मुश्किल अपनी नज़रें स्क्रीन से हटा पाएंगे और नोट किया कि फिल्म अपनी यथार्थवादी कहानी के कारण है फिर भी यह कम व्यापक नहीं है और सभी दर्शकों को पसंद आएंगी उन्होंने कलाकारों की भी प्रशंसा की विशेष रूप से मोहनलाल के शानदार विनम्र प्रदर्शन की इसे साढ़े तीन स्टार दिए गए पाँच में से इसे अटूट फोकस के साथ एक संवेदनशील व्यवहारिक कानूनी नाटक बताया है और मोहनलाल को सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं को स्वीकार किया है उपस्थिति अनुश्वरा और संबोधित मुद्दों से सुर्खियों को दूर नहीं ले जाती उन्होंने मोहनलाल अनस्वरा और सिद्दिकी के प्रदर्शन की सराहना की और कानूनी प्रणाली के विभिन्न जटिलताओं की खोज के लिए निर्माताओं की प्रशंसा की और यह जनता से संवेदनशीलता बढ़ाने का आह्वान है मनी कंट्रोल की सौम्या राजेंद्रन ने कहा कि पटकथा इतनी तेज गति वाली है और प्रदर्शन इतना शानदार है कि नेहरू सिनेमाई स्वतंत्रता लेने पर भी लगभग हमेशा दिलचस्प रहता है के जन्नी इंडिया टुडे ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा नेहरू एक दिलचस्प कोर्टरूम ड्रामा है जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है और, और मोहनलाल द्वारा सहमति महिलाओं के अधिकारों और पीड़िता को शर्मशार करने पर संवाद करना इस फिल्म को महिला सशक्तिकरण फिल्मों की लंबी सूची में एक योग्य जोड़ बनाता है के एस प्रवीण ने कहा कि फिल्म लगभग एक रोचक उच्चता प्रदान करती है और यह है कि मोहनलाल एक साधारण प्रदर्शन के साथ फॉर्म में वापस आ गए हैं जबकि जीतू जोसेफ ने इस दिलचस्प कानूनी नाटक में अपना जादू ढूंढ लिया है इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स इंडिया के निर्मल नारायणन ने टिप्पणी की कि नेहरू पूर्णतः व्यावसायिक मनोरंजन करता नहीं है लेकिन यह एक इमोशनल कोर्टरूम ड्रामा है जो आपको तब तक रोमांचित करेगा जब तक कि क्रेडिट मिलना शुरू न हो जाए उन्होंने विशेष रूप से मोहनलाल और अणस्वरा के अभिनय और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की द की पवित्रा एवीक में से आकर्षक कोर्ट रूम ड्रामा का निष्कर्ष निकाला कि जीतू जोसेफ का स्पर्श पूरी फिल्म में स्पष्ट है जो मुझे दृश्यम और इसके सिक्वल की याद दिलाता है उन्होंने मोहनलाल अनुस्वरा और सिद्दकी की प्रशंसा की और पाँच में से तीन स्टार रेटिंग दी क्रिस द न्यूज़ मिंट ने इसे एक मार्मिक अदालती नाटक बताया और आगे कहा कि अपनी शो सेटिंग के बावजूद नेहरू कुछ पूर्वक तर्कों के साथ एक महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है जो मोहनलाल के प्रमुख अभिनेताओं द्वारा दृढ़ता से कहीं और प्रस्तुत की जाती है अनुस्वरा राजन रॉ ओन मनोरमा की स्वाति पी अजीत ने लिखा नेहरू निसंदेह एक संतोषजनक और आनंददायक घड़ी है जो अधिक गंभीर भूमिकाओं में मोहनलाल की सफल वापसी का प्रतीक है मोहनलाल को एक वकील की भूमिका निभाते हुए मामले की रोमांचक अदालती बहस में भाग लेते हुए देखना वास्तव में ताज़ा है आनंदू सुरेश द इंडियन एक्सप्रेस ने पाँच में से ढाई स्टार दिए और लिखा कि मोहन का प्रदर्शन एक मिनट के रन टाइम को कम लंबा महसूस कराता है कहानी और फिल्म निर्माता की दृष्टि में खुद को पूरी तरह से डुबोकर मोहनलाल अपने स्टार व्यक्तित्व को कहानी पर बोझ बनने से बचाते हैं यह विजय मोहन की भूमिका को सटीकता के साथ चित्रित करते हैं बॉक्स ऑफिस नेहरू ने रिलीज के आठ दिनों में दुनिया भर में पचास करोड़ से अधिक की कमाई की सिक्वल और ऑफ दिसंबर 2023 में प्री रिलीज प्रमोशन चर्चा में मोहनलाल जीतू शांति और एंटनी ने खुलासा किया कि नेहरू के संभावित सिक्वल बन सकते हैं अगर पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित होती है ये सिक्वल वकील विजय मोहन द्वारा संभाले गए अतिरिक्त मामलों का पता लगाएंगे मोहनलाल ने अन्य पात्रों पर केंद्रित स्पिन की संभावना का भी उल्लेख किया मोहनलाल विश्वनाथन जन्म इक्कीस मई 1960 एक है भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता पार्श्व गायक फिल्म वितरक और निर्देशक जो मुख्य रूप से मलयालम में काम करते हैं फिल्म उद्योग इसके अलावा छिटपुट रूप से तमिल हिंदू तेलुगू और कन्नड़ फिल्में मोहनलाल का चार दशकों से अधिक का शानदार करियर रहा है उन्होंने चार सौ से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है मलयालम सिनेमा में मोहनलाल के योगदान की उनके समकालीनों ने प्रशंसा की पद्म भूषण और दो हजार एक में पद्मश्री से सम्मानित किया उन्हें भारत सरकार भारतीय फिल्म उद्योग नागरिक सम्मान द्वारा सी एन एन न्यूज़ एटीन मोहन लाल को रूप में शामिल नामित किया गया था वे पुरुष जिन्होंने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया कि मानद रैंक से सम्मानित होने वाले भारत के पहले अभिनेता बने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रादेशिक सेना में उनके योगदान के लिए 2009 में भारतीय सिनेमा मोहनलाल ने अपने बिन्ने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में उन्नीस में मलयालम फिल्म थिरानोत्तम से की लेकिन फिल्म की रिलीज में 25 साल की देरी हुई सेंसरशिप मुद्दों के कारण उनका स्क्रीन डेब्यू उन्नीस सौ अस्सी की रोमांस फिल्म मंजिल वेरिजा पुक्कल से हुआ था जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी उन्होंने खलनायक भूमिकाएं करना जारी रखा और बाद के वर्षों में माध्यमिक मुख्य भूमिकाओं तक पहुंच गए 1980 के दशक के मध्य तक उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद अग्रणी अभिनेता के रूप में स्थापित कर लिया और 1986 में कई सफल फिल्मों में अभिनय करने के बाद स्टारडम हासिल किया उस वर्ष रिलीज हुई क्राइम ड्रामा राजविंते माकन ने उनके स्टारडम को बढ़ाया मोहनलाल ने पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष जूरी उल्लेख और एक विशेष जूरी पुरस्कार अभिनय के लिए और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म निर्माता के रूप में के लिए एक पुरस्कार साथ ही नौ केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण और अनेक अन्य पुरस्कार उन्होंने 2010 में भी श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट प्राप्त की 2018 में कालीकट विश्वविद्यालय मोहनलाल अपने परोपकारी प्रयासों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने विश्व शांति फाउंडेशन की स्थापना की जो एक गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन है जिसे समाज के वंचित वर्गों के लिए उच्च प्रभाव और केंद्रित कार्यक्रम बनाने और वितरित करने के लिए शुरू किया था स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र प्रारंभिक जीवन मोहनलाल विश्वनाथन का जन्म एलान्थुर पठान मिठा जिले केरल इक्कीस मई 1960 को हुआ वह पूर्व नौकरशाह और कानून सचिव विश्वनाथन नायर की सबसे छोटी संतान है केरल सरकार और संथा कुमारी प्रारंभिक जीवन मोहनलाल विश्वनाथन का जन्म एलान्थुर पठान मिट्टा जिले में केरल में इक्कीस मई 1960 को हुआ उनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम प्यारे लाल था 2000 में एक सैन्य अभ्यास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई मोहनलाल का नाम उनके मामा गोपीनाथन ने रखा था नायर जिन्होंने शुरुआत में मोहनलाल चुनने से पहले अपना नाम रोशनलाल रखने का फैसला किया था हालांकि उनके पिता उन्हें उन नाम देने से बचते थे उनके पिता इस बात पर अड़े थे कि उन्होंने अपना जाति नाम नायर उपनाम के रूप में नहीं रखना चाहिए जैसा कि उन सभी के पास था मोहनलाल अपने पैतृक घर तिरुवनंतपुरम में मुदावन मुगल में पले बढ़े उन्होंने गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम से पढ़ाई की और स्नातक की उपाधि प्राप्त की बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री महात्मा गांधी कॉलेज तिरुवनंतपुरम मोहनलाल एंड हैश टैग की पहली भूमिका कंप्यूटर बॉय नामक एक स्टेज प्ले के लिए छठी कक्षा के छात्र के रूप में थी जिसमें उन्होंने एक नब्बे वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाई थी 1977 और 1978 के दौरान यह केरल राज्य कुश्ती चैंपियन थे फिल्मी करियर प्रारंभिक वर्ष 1978 से उन्नीस मोहनलाल ने अपने अभिनय की शुरुआत 1978 में फिल्म थिरानोटम से की जिसका निर्माण और निर्माण मोहनलाल और उनके दोस्तों द्वारा किया गया था मनियान पिल्ला राजू सुरेश कुमार उन्नी प्रिया दर्शन रवि कुमार और कुछ अन्य मोहनलाल ने मानसिक रूप से अक्षम नौकर कुटप्पन की भूमिका निभाई सेंसरशिप से जुड़ी कुछ दिक्कतों के कारण फिल्म तय समय पर रिलीज़ नहीं हो पाई इस फिल्म को रिलीज़ होने में पच्चीस साल लग गए उन्नीस सौ अस्सी में मोहनलाल को मंजिल विरिजा पुक्कल में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका में लिया गया था जो फिल्म को बड़ी सफलता मिली मोहनलाल के दोस्तों ने जारी एक विज्ञापन में जवाब दिया उनका आवेदन भेजा था नवोदय स्टूडियो उन्होंने एक पैनल के सामने भूमिका के लिए ऑडिशन दिया जिसमें पेशेवर भी शामिल थे निर्देशक उनकी शक्ल से नाखुश होकर उनमें से दो ने उन्हें खराब अंक दिए लेकिन फाजिल और जीजू अप्पा ने उन्हें सौ में से नब्बे और पचानवे अंक दिए 2004 में रीडर्स डाइजेस्ट के साथ एक साक्षात्कार में मोहनलाल ने कहा कि एक युवा व्यक्ति के रूप में उनकी शक्ल शायद की छवि उनकी प्रशंसित नकारात्मक भूमिकाएं शामिल है संध्या कुबेरिजा पुगु और कोइलियन थेडी उन्नीस तक मोहनलाल को 25 से अधिक फीचर फिल्मों में श्रेय दिया गया उनमें से अधिकांश में उन्होंने नकारात्मक भूमिकाएँ निभाई ऐसी फिल्में जैसे कि एंटे मोहंगल पूव निंजु इनी ये गिलम विजा अट्टकल शम कोलिल अल्पम कार्यम उन्नीस में उन्होंने फिल्म ओन्नम कुन्निल और आड़ी कुन्निल के लिए गाना रिकॉर्ड किया उ रंगा लिल नौकेथा दुरातु कन्नुम नट्टू बोइंग बोइंग और आराम आराम किन्नरम इस अवधि में उनकी कुछ फिल्में थीं 1986 से 2000 इस अवधि के दौरान मोहनलाल ने महान उस्तादों द्वारा बनाई गई फिल्मों में बहुत अलग भूमिकाएं निभाई, जैसे कि जी अरविंदन हरिहरन एम टी वासुदेवन नायर पद्मराजन भारतन और लोहिता दास मोहन लाल अभिनेता के साथ और पटकथा लेखक श्रीनिवासन जिन्होंने कई फिल्मों में उनके सहायक की भूमिका निभाई 1986 में उन्होंने टी में अभिनय किया पी बाल गोपालन एम ए निर्देशक सत्यनंद जिसके लिए उन्होंने अपना पहला उन्होंने एक बेरोजगार युवक का किरदार निभाया जो जिम्मेदारी निभाता है उसके परिवार की समाधानम में एक उत्पीड़ित गृहस्वामी की भूमिका में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फेयर पुरस्कार दिलाया राजविंत माकन का दर्जा किया को तोड़ती है इस दौरान मलयालम फिल्म उद्योग में अकेले 1986 में मोहनलाल 36 छत्तीस मलयालम फिल्मों में दिखाई दिए रूढ़ीवादिता में सोलोमन की भूमिका निभाई पद्मराजन के साथ मोहनलाल का जुड़ाव बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि उनकी फिल्में ऐसी कहानियां बताती थी जो अपने समय से बहुत आगे थी और प्रचलित कई पारंपरिक नामक कुपारक खन मुंथी में अभिनय किया जिसमें उन्होंने विनोद कुमार नामक एक युवक की भूमिका निभाई जो अपने प्रेमिका को देखकर मानसिक रूप से बीमार हो जाता है उनचालीस की मृत्यु उन्होंने पद्मराजन की थलवटम्रासदी विंसेट बॉमेज की भूमिका निभाई उन्होंने अंडरवर्ल्ड ऑन उन्नीस जिसमें उन्होंने सुपरस्टार उसी वर्ष अगले वर्ष मोहनलाल ने श्रीनिवासन और शोभना सत्यन एंथी कॉड फिल्म कॉमेडी नाडो डिकाटू में जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही मोहनलाल और श्रीनिवासन ने इसके सिक्वल में क्रमशः जासूस दासन और विजयन के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई पट्टन प्रवेशम 1988 और अक्करे 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 1990 सौ नब्बे थुवन थुम्बिकल पद्मराजन द्वारा निर्देशित जिसमें उन्होंने अपने जुड़वा प्रेम संबंधों के बीच फंसे हुए एक व्यक्ति को चित्रित किया जिसने भारतीय फिल्मों में कई रूढ़िवादिता को तोड़ दिया जैसे मुख्य पुरुष को पहली महिला द्वारा अस्वीकार किए जाने के तुरंत बाद दूसरी महिला से प्यार हो जाता है और एक आदमी को एक सेक्स वर्कर से प्यार हो गया उन्नीस सौ उनासी में लेखिका लोहिता दास और निर्देशक सिबी मलियल का संयोजन ने सेतु माधवन नामक व्यक्ति का किरदार बनाया जो एक पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखता है लेकिन त्रासदी के रिदम में एक अपराधी बन जाता है इस भूमिका ने मोहनलाल को राष्ट्रीय फिल्म विषय जूरी उल्लेख दिया मोहनलाल ने बाद में याद किया कि सेतु माधवन की मानसिक पीड़ा का उनका चित्रण जिसे एक स्वाभाविक प्रदर्शन के रूप में सराहा गया सहजता और उन्होंने वही किया जो मेरा किरदार सेतु माधवन ऐसी स्थिति में करता उन्होंने आगे कहा कि अभिनय था किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के समान उसी वर्ष उन्होंने एक फिल्म में अभिनय किया जो व्यवसायिक रूप से सफल रही वारा वेलपू जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जिसने खाड़ी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया फिल्म का जिक्र 18 जनवरी 2003 को कोची में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के उद्घाटन के दौरान वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के प्रति मलयाली द्वारा ज्ञानता के उदाहरण के रूप में उन्होंने पद्म राजन की एक और फिल्म में अभिनय किया 1990 के दशक की शुरुआत में मोहनलाल ने कई व्यावसायिक फ़िल्मों में अभिनय किया जैसे हेज हाइनस अब्दुल्ला मिथुनम और नंबर बीस मद्रास मेल महामहिम अब्दुल्ला मोहनलाल का उनकी कंपनी प्रणवम आर्ट्स इंटरनेशनल थजवारम में एक विदुर के रूप में दिखाई दिए जो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त द्वारा अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेना चाहता है उन्नीस में उनकी रोमांटिक कॉमेडी के लुक कम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य फिल्म पुरस्कार मिला यह फिल्म मलयालम में अब तक की सबसे महान कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाती है यह उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म भी बन गई जिस पर एक ईर्ष्यालू भाई का बोझ है जिससे उसे कर्नाटक गायक के नज़रिए से यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसमें उनकी भूमिका एक भारत भारतम में उनकी भूमिका को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम विधि प्रदर्शनों में सूचीबद्ध किया गया था फोबर्स इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के अवसर पर उन्होंने कमला दालम उन्नीस में भरतनाट्यम नर्तक की भूमिका निभाई उन्होंने अपने कोरियोग्राफर और अपने सह अभिनेताओं और पेशेवर नर्तकों विनीत और मोनिशा राजशिल्पी सद्यम योद्धा और वियतनाम कॉलोनी उन्नीस में रिलीज़ हुई उनकी अन्य फिल्में थीं नाटक देवासुरम उन्नीस सौ तिरानवे सुरंजीत माना जाता है पंथ क्लासिक मोहनलाल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी और इसे एक द्वारा निर्देशित भी ससी और उन्नीस सौ चौरानवे में मोहनलाल ने फाजिल निर्देशित क्लासिक क्लासिक एक मनोचिकित्सक के रूप में स्पैडिकम उन्नीस सौ पचानवे का एक काम था जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना तीसरा केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और अपने चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मलयालम के लिए पाँचवा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता थॉमस आदू थोमा चाकू एक युवा व्यक्ति को ठग बन जाता है जो अपने पिता की उच्च उम्मीदों को पूरा करने में असफल होने पर अपने पिता से अलग हो जाता है उन्नीस में मोहनलाल ने प्रिय दर्शन की काला पानी में अभिनय किया जो सेलुलर जेल के कैदियों के बारे में एक महाकाव्य फिल्म थी पोर्ट ब्लेयर और अलोहिता दास का कनमाधम उन्नीस सौ उन्होंने उन्नीस में राजीव आंचल द्वारा निर्देशित गुरु में मुख्य भूमिका निभाई इस फिल्म को में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामांकन के लिए चुना गया था उन्नीस के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी मोहनलाल ने उन्नीस में तमिल जीवनी पर आधारित फिल्म इरुवर में अपनी पहली गैर मलयालम फिल्म में अभिनय किया मणिरत्नम द्वारा निर्देशित फिल्म जिसमें मोहनलाल ने कैसे अभिनेता को दर्शाया था जो राजनीति में चला जाता है एम जी श्री रामचंद्रन के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण सफलता थी और बेलग्रेड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते उन्नीस सौ तो अट्ठानवे में उन्होंने कृष्णंस का निर्माण और अभिनय किया सह अभिनित ममूठी और जूही चावला फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही लेकिन समीक्षकों द्वारा इसे अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली फिल्म में दोहरे क्लाइमैक्स थे जिसे प्रत्येक विशेष क्षेत्र में दो प्रमुख अभिनेताओं की लोकप्रियता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया हालांकि यह विवादास्पद हो गया और सांप्रदायिक मोड़ तब ले लिया जब यह दावा करते हुए मुकदमे दायर करें कि हिंदू बहल क्षेत्रों में प्रदर्शित प्रिंटों में मोहनलाल को नायिका से शादी करते हुए दिखाया गया है जबकि मुस्लिम बहुल इलाकों में ममूटी को उससे शादी करते हुए दिखाया गया है मोहनलाल ने उन्नीस सौ निन्यानवे इंडो फ्रेंच एक कथकली कलाकार का चित्रण किया है जिसका निजी जीवन एक त्रासदीपूर्ण है शाही एन करुण द्वारा निर्देशित के दौरान भारतीय सिनेमा में नृत्य का जश्न में अनुभाग भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्क्रीनिंग की नई पूर्वव्यापी रूप से 2014 के वान प्रस्थम ए एफ आई उत्सव को वानप्रस्थम में प्रतिस्पर्धी अनुभाग के लिए चुना गया था और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था 2000 से 2009 हज़ार मोहनलाल अभिनेता मधु से बात करते हुए मोहनलाल और मधु एम एम ए, 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 ए आम सभा की बैठक में 2008 2000 में मोहनलाल ने नरसिम्हम में अच्छे दिल वाले एक दुष्ट भूमिका निभाई है अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई अगले दो वर्षों में मोहनलाल फिल्मों में जैसी लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया गया था जैसे रावण प्रभु प्रजा जैसी अच्छी तरह से बनी महिला प्रधान फिल्मों की विफलता का कोई अन्य कारण नहीं दिखता मधुर नोम्बा बरकट्टू और माझा हैंगओवर बहुत मजबूत है और कम से कम फिलहाल के लिए अच्छी फिल्मों की संभावनाओं को ख़त्म कर दिया मुझे नरसिम्हम ने लिखा एक आलोचक न्यू इंडियन एक्सप्रेस को छोड़कर इन फिल्मों की उनके दौरा वाले कथानकों बदसंवादों पंच लाइनों और पुरुषवादी दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई रावण प्रभु चतुरंगम और ठंडावम दो 2002 दो में मोहनलाल ने श्रीनिवासन आई पी एस मुंबई पुलिस अधिकारी अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म में कंपनी 2010 में हिंदी फिल्म न्यूज डॉट कॉम के ऑनलाइन पोल में सितारों की तरह दबे हुए या चिंतित नहीं दिखते जब वे पहली बार किसी हिंदी फिल्म में दिखाई देते हैं दक्षिण भारतीय ने नोट किया कि अभिनेता अपने स्वाभाविक सर्वश्रेष्ठ रूप में एक हैं और अन्य द हिंदू द्वारा अभिनीत मोहन लाल के प्रदर्शन को खूब सराहा गया विवेक ओबराय और अजय देवगन यह फिल्म दो लोगों की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है अंडरवर्ल्ड ऑन जिन्होंने मुंबई पर राज किया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है अंडरवर्ल्ड ऑन सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता स्टार स्क्रीन अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार भाषी दर्शकों से परिचित कराया और जिसके लिए उन्होंने हिंदी जिसने उन्हें भारत में कंपनी अगले वर्ष मोहनलाल अपनी एक्शन हीरो की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे थे उसके साथ हास्य भूमिकाओं में लौट आए किली चुंदन मम्पाजम बैलेटन हरिहरन पिल्लई हैप्पी यानू ने अथानी पराम बिल बालचंद्रन की भूमिका निभाई जो एक बैंक कर्मचारी था जो हमेशा तैयार रहता था दूसरों की मदद करने के लिए जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार के अविश्वास के कारण कई का रहस्यों को छिपाने के लिए मजबूर है व्यावसायिक रूप से भी सफल रही वी एम बिनु निर्देशक बैलेटन जिसे अभिनेता की वापसी के साधन के रूप में प्रचारित किया गया को अच्छी समीक्षाएँ और अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिला लिए चुंदन मम्पाजम श्रीमान ब्रह्मचारी और नट्टू रावा मम बजा कालम उनकी एकमात्र सफलताएं थी मोहनलाल 2005 में ब्लैक कॉमेडी उद या ननू थारम में एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्देशक के रूप में दिखाई दिए समीक्षकों ने इसे खूब सराहा और उन जगहों पर भी अच्छा प्रदर्शन किया जहाँ मलयालम फिल्में नियमित शो में नहीं चलती जैसे वडोदरा राजकोट पुणे और अहमदाबाद उसी वर्ष वह निर्देशक ब्लैसी थन मथ्रा एक फिल्म शो से पीड़ित एक व्यक्ति की कहानी बताती है अल्जाइमर रोग फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और मोहनलाल के प्रदर्शन को समीक्षकों ने काफ़ी सराहा मोहनलाल ने अपनी पाँचवीं जीत हासिल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सातवां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म में उनका किरदार दूसरे भाग में बोलता नहीं है 2007 में मोहनलाल ने परदेसी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता पी द्वारा निर्देशित टी कुंजू मोहम्मद डॉट साइफ़ी डॉट कॉम ने कहा कि मोहन लाल मंत्र मुग्ध कर देने वाले हैं और एक बार फिर भावना के साथ अभिनय के मुहावरे को नया रूप देते हैं उनकी जुलाई रिलीज हालो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक बन गई उस वर्ष अगस्त में वह अपनी दूसरी बॉलीवुड फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई और 2009 में उन्होंने ट्वेंटी में मोहन लाल ने मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर द्वारा निभाई गई भूमिका को दोहराया संजीव कुमार उन्नीस मोहनलाल ने मूल से शोले भी कहा जाता है कारी रिमेक है बॉलीवुड क्लासिक कराम गोपाल वर्मा की आग जिसे आग तमिल फिल्म उन्नई पोल और उवन में वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म एविडम स्वर्ग मनु का निर्देशन रोशन एंड्रयूज 2010 से 2015 बॉलीवुड अभिनेता अभिनेता बच्चन के साथ मोहनलाल मोहनलाल अमिताभ बच्चन के साथ 2010 में उन्होंने पाँच फिल्मों में अभिनय किया पहली जनखन एक क्राइम थ्रिलर जिसमें उन्होंने सुरेश गोपी एस द्वारा लिखित एन स्वामी फिल्म में उन्होंने एडवोकेट का किरदार निभाया था सूर्य नारायणन का सामना कुछ भगोड़े संदिग्धों से होता है जब वे न्याय के लिए उसके पास होते हैं मुरली नागावल्ली द्वारा निर्देशित अलेक्जेंडर द ग्रेट मई में रिलीज हुई एक हास्यपूर्ण मनोरंजक फिल्म थी और निर्देशक टीआई के राजीव कुमार पटकथा श्रीनिवासन और निर्माता मनियान पिला राजू अमिताभ बच्चन की तीसरी किश्त थी और मेजर महादेवन फिल्म श्रृंखला मेजर महादेवन का अपहरण मोहनलाल ने इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 द्वारा निर्देशित एक युद्ध फिल्म पर आधारित उन्नीस में मेजर रवि कंधार यह थी इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही रमजान जिसमें उन्होंने एक लॉरी ड्राइवर की भूमिका निभाई मोहनलाल की पहली रिलीज 2011 में मल्टी स्टारर क्रिश्चियन ब्रदर्स और थी एक्शन ड्रामा निर्देशित जोशी और पटकथा उदय कृष्ण सिबी के थॉमस जिसमें उन्होंने सुरेश गोपी दिलीप जयराम के साथ सह अभिनय किया कॉम्बो की वापसी को चिन्हित किया फिल्म ने क्रिसमस न्यू ईयर के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया उन्नीस सौ अस्सी और नब्बे के दशक के प्रिया दर्शन मोहन लाल मध्यपुर पूरी तरह से थ्रिलर थी एक्शन कॉमेडी द्वारा निर्देशित जो एक प्रिया दर्शन और कथा उस वर्ष उनकी आखिरी फिल्म थी यह फिल्म थी हिट को तो उनकी तीन भी फिल्म का श्रेय दिया जाता है स्नेहा वेदू ने मोहन लाल के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया उन्होंने उनकी मां का किरदार निभाया था शीला गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित एक पारिवारिक फिल्म पहली बार अभिनेत्री पलक्कड़ ने पलक करने किया था सत्यन अंतिकड़ू का निर्देशन स्नेहा विदन की अगली फिल्म जयप्रदा और अनुपम खेर या मोहनलाल द्वारा निभाए गए तीन वृद्ध पात्रों निर्देशित आशीर्वाद रोमांटिक ड्रामा अगस्त में रिलीज हुई एक लीक से हटकर उन्होंने प्राणायाम रफी में कार्टिन मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म सौ दिनों से अधिक चली और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक बन गई जो दिलीप और एक और मल्टी स्टार जिसमें उन्होंने चाइना टाउन अप्रैल रिलीज थी विश्व उनकी शानदार फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक थी मार्च में दुनिया भर में 300 स्क्रीनों पर रिलीज़ हुई जो उस समय किसी मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज थी शरत कुमार 2012 में उन्होंने छह फिल्मों में अभिनय किया उनकी पहली रिलीज़ बहुप्रचारित बड़े बजट की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कासानोवा थी रोशन एंड्री द्वारा निर्देशित और बॉबी संजय द्वारा लिखित उन्होंने कैसानोवा की भूमिका निभाई जो एक धारावाहिक महिलावादी और फूलों के बुटीक की एक अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला है कैसनोवा के इटरनल स्प्रिंग के मालिक हैं बाद में वह बॉलीवुड फिल्म तेज में कैमियो भूमिका में दिखाई दिए जो अप्रैल में रिलीज हुई थी और प्रिया दर्शन द्वारा निर्देशित थी उनकी अगली फिल्म थी बी उन्नी कृष्णन निर्देशक ग्रैंड मास्टर एक नव नोयर एक अपराध रोमांचक एक पुलिस वाले के बारे में जिसे हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए मजबूर किया जाता है मोहनलाल लाल के शांत और संयमित अभिनय को आलोचकों द्वारा सराहा गया उन द्वारा निर्मित यू टी मोशन पिक्चर्स यह पहली मलयालम फिल्म थी जो नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज हुई और उपलब्ध कराई गई और रन बेबी रन फिल्म ने 125 दिनों का थिएटर प्रदर्शन पूरा किया केरल में और व्यावसायिक रूप से सफल रही शराबखोरी सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फिल्म को मनोरंजन कर से छूट दे दी गई उनके चेहरे को उजागर करने वाले कौन से ली गई तस्वीर मोहनलाल केरल के, के सत्रहवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2012 में 2013 मोहनलाल के लिए उल्लेखनीय वर्ष था यावा वर्ष था जिसमें मलयालम फिल्म की सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम रिलीज हुई थी वर्ष की उनकी पहली फिल्म लोकपाल थी जो एक थ्रिलर फिल्म सतर्क थी जिसमें उन्होंने लोकपाल उपनाम वाले एक सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई थी इसका निर्देशन जोशी ने किया था रस ने लिखा था इन स्वामी रेडवाइन सलाम बप्पू द्वारा निर्देशित एक गैर रेखीय जांच थी एक राजनीतिक हत्या पर आधारित थ्रिलर लेडीज एंड जेंटलमैन सिद्दकी द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी आई कंपनियों की पृष्ठभूमि में गीतांजलि प्रिय मलयालम क्लासिक फिल्म चित्रा थाजू का स्पिन ऑफ था जिसमें उन्होंने मूल से डॉक्टर सनी की भूमिका को दोहराया था उनकी आखिरी रिलीज दृश्यम जिसका निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया था इसने दुनिया भर में पचहत्तर करोड़ की कमाई की और 2016 तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई 2014 में उन्होंने तमिल एक्शन ड्रामा जिला विजय के साथ आर द्वारा निर्देशित टीसन और आर द्वारा निर्मित दी चौधरी फिल्म थी व्यावसायिक सफलता दुनिया भर में चेन्नई तमिलनाडु में सौ दिन का नॉट नाट्य प्रदर्शन पूरा किया मोहनलाल की 2014 की पहली मलयालम रिलीज मिस्टर थी फ्रॉड एक टकैती फिल्म जिसका निर्देशन बी ने किया है उन्हें कृष्णन या श्रीनाथ राजेंद्रन द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म को थारा में एक विस्तारित कैमियो भूमिका में दिखाई दिए जो एक आने वाली फिल्म है उम्र रहस्यमय फिल्म एक अनकहे कालखंड पर आधारित है उन्होंने प्रयोगात्मक फिल्म में एक रहस्यमय किरदार निभाया जिसने फिल्म के अंत में खुद को एक मरमैन के रूप में प्रकट किया उनकी अगली हास्यपूर्ण राजनीतिक व्यंग्य फिल्म पेरू चाजी थी जिसे लिखा और निर्देशित किया गया था अरुण नाथन, उन्होंने एक युवा राजनीतिक मेकर की भूमिका निभाई जिसे कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर चुनावों में गवर्नर पद के उम्मीदवार को जिताने का काम सौंपा गया है जहाँ वह जीतने के लिए मानक भारतीय राजनीतिक हथकंडों का उपयोग करता है संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव 2015 में उन्होंने पहली बार कन्नड़ फिल्म थ्री रसम में एक छोटी सी भूमिका के साथ थी इन इप्पोजुम निर्देशक सत्यनयन थिकाड़ में उनकी पहली भूमिका थी वर्ष सह अभिनेत मंजू वारियर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही इसके बाद जोशी द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर लैला और लैला आई जो बॉक्स ऑफिस पर समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रही उनकी अगली फिल्म रंजीत निर्देशित थ्रिलर लोहम थी हालांकि इसे मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली लेकिन फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने बॉक्स ऑफिस पर पंद्रह करोड़ का कलेक्शन किया रिवेंज थ्रिलर का नाल उनकी इस साल की आखिरी फिल्म थी इसे आलोचकों से भी मिश्रित समीक्षाएं मिली अड़तालीसवें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह में 2016 वर्तमान 2016 में मोहनलाल की चार फिल्में रिलीज हुई जिनका दुनिया भर में तीन करोड़ का संयुक्त सकल संग्रह था जिससे वह चौथे पीछे रहे अधिक के सकल संग्रह के साथ एक 2016 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई उनकी अगली फिल्म थी जिसने मुरली गोपी ने किया था और लेखन किया था पृथ्वीराज सुकुमारन जिसका निर्देशन लुसिफर फिल्म हरी कृष्णन द्वारा लिखी गई थी यह ओडियन कबीले की दंती पर आधारित है अगली फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया वह में अभिनय किया श्री कुमार मैनन ओडियन वी द्वारा निर्देशित फैंटेसी ड्रामा फिल्म वेलन एक इमोशनल थ्रिलर थी अगले वर्ष उन्होंने बी द्वारा निर्देशित वेलन फिल्म आई